आपके रहम में होते हुए प्रभु आपने हमको दिया प्रभु, कि हम आपके भवन में आ सके प्रभु, अपने मुंह को खोलकर अपने हाथों को उठा करके प्रभु अपनी निगाहें आपकी ओर लगा सके लॉर्ड। प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप सच्चे हैं खुदावन, लातब्दील खुदावन है। और कैसे इब्रानियों 13:8 में लिखा है, जीसस क्राइस्ट द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। ओ खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप आते हैं प्रभु यीशु मसीह, अपने बच्चों से बातचीत करते हैं खुदावन, समय बा समय करेक्ट करते हैं खुदावन। ओ खुदावन यदि हमारी ताड़ना ना हो, जैसे बाइबल में लिखा है देन वी आर बास्टर्ड्स, ओ गॉड, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हमारा पिता है, हमारा एक पिता है, हमारा एक पता है खुदावन। ओ प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, मुझे मालूम है कि मेरा मूल क्या है खुदावन, मैं कहाँ पाया जाता था बिना इलम से पेशतर। ओ खुदावन यीशु मसीह, और आपका भवन हाउस ऑफ करेक्शन है लॉर्ड, आप आते हैं खुदावन यीशु मसीह, आप कभी चिल्लाते हैं, कभी पुचकारते हैं, कभी प्यार से बोलते हैं, कभी गुस्से से बोलते हैं प्रभु, लेकिन खुदावन जैसे वचन में लिखा है लौदीका कलीसिया काल में, जितनों से मैं प्रीति करता हूं उनको उलाहना और ताड़ना देता हूं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, हाँ खुदावन हम कई बार प्रभु अपने चीजों में उलझ जाते हैं खुदावन, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं, फिर भी आपका प्रेम है जो हमें खींच के लेके आता है खुदावन, जो हमसे बातचीत करता है लॉर्ड, जो हमसे प्रेम करता है खुदावन, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज आप सुबह यहाँ मौजूद हैं प्रभु, अपने वचन के अनुसार आपने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहाँ हाजिर होऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ आप यहाँ मौजूद हैं खुदावन, आप हमसे बातचीत करने को तैयार हैं खुदावन, आपने अपने मुँह को हमसे मोड़ा नहीं प्रभु, लेकिन आप अभी भी हमसे मुखातिब होते हैं प्रभु, आप अभी भी हमसे बातचीत करते हैं लॉर्ड, हम आपकी ओर देखने पाते हैं प्रभु यीशु मसीह, अपनी निगाहों को आपकी ओर लगाने पाते हैं खुदावन, अपने कानों को आपकी ओर लगाने पाते हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ कोई डिनोमिनेशनल मैसेज नहीं खुदावन, कोई संस्थागत गिरजे वाला खुदावन मिलावटी वचन नहीं, लेकिन आपका मार्मिक वचन, आपका शुद्ध पवित्र वचन खुदावन, जो आज के युग के लिए ठहराया गया है प्रभु, एक ऐसा संदेश जो दे बदलाव लेके आता है, जो केवल एक चंगाई शारीरिक नहीं देता लेकिन प्रभु वो कांप के दो पंख देता है ताकि रैप्चर में जा सके खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप मौजूद हैं प्रभु हमसे हम कलाम होने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए प्रभु, आपके महान प्रेम के लिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ इस युग के लिए खुदावन, जिसमें आपने मुझे और मेरे भाई बहनों को रखा खुदावन, जिसमें बहुत सारे पवित्र संत और भविष्यवक्ता पाए जाना चाहते थे प्रभु, लेकिन उनको ये फजल नहीं मिला खुदावन, जो फजल मुझे और मेरे भाइयों को मिला है खुदावन, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ लॉर्ड। आप आए प्रभु यीशु मसीह आज सुबह फिर से खुदावन, अपने दास के शरीर को आप ले खुदावन, हमसे बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह, हमसे हम कलाम हो खुदावन, हम आपकी ओर देखना चाहते हैं प्रभु। आपके सामने कुछ बीमारों को लेके आता हूँ खुदावन, भाई रूबेन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको वीकनेस है संपूर्ण चंगाई दें, सिस्टर सुधा कश्यप के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको वॉमिटिंग लूज मोशन फीवर है प्रभु आप संपूर्ण चंगाई दें खुदावन, भाई आकाश मसीह के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जिनको इंडाइजेशन प्रभु लिवर प्रॉब्लम है संपूर्ण चंगाई दें, भाई हरीश जॉन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका कोर्ट केस चल रहा है और किसी आदमी ने खुदावन के घर पे कब्जा कर लिया, 30 तारीख को हियरिंग है प्रभु, फजल दें कि वो हियरिंग इनके फेवर में हो सके लॉर्ड, हम अपनी आंखें आपकी ओर लगाते हैं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं अजीज भाई नोलिन बेंजामिन के लिए जिनको हाई प्रोस्टेट इन्फेक्शन है प्रभु आप संपूर्ण चंगाई दें खुदावन, अपना शिफा भरा हाथ लगाएं प्रभु और भाई को चंगाई दें, अपने भवन में रेस्टोर करें लॉर्ड। प्रार्थना करता हूँ अपने अजीज पास्टर के लिए भी खुदावन, जबकि कमजोरी है प्रभु यीशु मसीह, वॉमिटिंग प्रभु और इनडाइजेशन प्रभु आप संपूर्ण चंगाई दें खुदावन, और पल के साथ प्रभु आप भवन में रेस्टोर करें लॉर्ड, आपके नाम की तारीफ हो खुदावन यीशु मसीह, आप महान सर्व सामर्थी खुदावन हैं। जबकि हमारे अजीज पास्टर भाई भाई राजीव भाई दक्ष के साथ कल सुबह सुबह जाएंगे आंध्रा की ओर भी, आप अजीज भाई को बहुत आयत से इस्तेमाल करें खुदावन, ओ लॉर्ड फजल दें प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा कंट्रोल ले प्रभु यीशु मसीह, तमाम दुष्ट और उसकी शक्तियां जाती रहें प्रभु, और खुदा मैं जानता हूँ खुदावन जैसे पौलुस कहता है कि हम अपने शरीर में मृत्यु लेकिन आपकी ओर जीवन को देते हैं, ओ खुदावन मैं देख पा रहा हूँ खुदावन
कैसे पवित्र आत्मा भाई के अंदर से होकर के बोलता है प्रभु। और खुदा मैं जानता हूँ जब ऐसे बातें निकलती हैं खुदावंद, शैतान खुश नहीं होता प्रभु, जब उसका पर्दाफाश होता है खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई को आप ताकत दें प्रभु और फजल दें कि खुदावंद इन तमाम दुष्ट की शक्तियों पर गलबा प्राप्त करने पाए प्रभु। जब एक चोट होकर कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, कैसे खुदावंद पतरस जो कि एक बंदी गृह में बंद था प्रभु, कैसे उसके बंधन खुल गए, कैसे एक दूत आ गया खुदावंद। मेरी प्रार्थना है मेरा अजीज भाई चंगा होकर के शाम को लौट के आ सके, मदद और रहनुमाई करे। आपके नाम की तारीफ और स्तुति बढ़ाई हो, आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हैं खुदावंद। ऐसी विंडिकेटेड सेवकाई के नीचे आपने मुझे रखा, मेरे भाई बहनों को रखा, मैं बहुत ज्यादा शुक्र गुजार हूँ। काश हम में से हर एक खुदावंद सोई भी हालत में ना पाए जाए, हम यहाँ बैठ के जमाइया ना ले, लेकिन खुदावंद सतर्क हो करके आपके संदेश को सुने। प्रभु आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं खुदावंद, आपकी ओर टकटकी लगा के देखें प्रभु। आपका नाम मुबारक हो, एक ढिलाई वाले एटीट्यूड में नहीं लेकिन सजग होकर के यहाँ बैठ सकें प्रभु। मदद करें प्रभु, आज हमारे बीच में दोहराएं प्रभु। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की तारीफ हो। मीटिंग की सारी कार्रवाइयों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमेन एंड आमेन, हालेलुया। क्या आप लोग खुश हैं? थोड़ा सा अंदर वॉल्यूम बढ़ा देना। प्रभु का धन्यवाद हो, खुदावंद ने आपको और मुझे ये फजल दिया है कि हम भवन में फिर से एकत्र हो सकें, खुदा का धन्यवाद करने के लिए, प्रभु की तारीफ करने के लिए, कि खुदावंद योग्य हैं सारे आदर, सारी महिमा, सारे धन, सारी शक्ति के लिए। क्या विश्वास करते हैं? आमेन। आइए इस गीत को गाएं, गीत का नंबर 197। सारे आदर सारी महिमा के योग्य, सारे धन सारी शक्ति के योग्य, वध किया हुआ मेमना है। आमेन। सारे आदर और सारी महिमा के यो, सारे धन और सारी शक्ति के यो, वध किया हुआ मेमना है। सारे आदर और सारी महिमा के यो, सारे धन और सारी शक्ति के यो, वध किया हुआ मेमना है। क्योंकि उसने ही अपने लहू से हर कुल और भाषाओं में से, क्योंकि उसने ही अपने लहू से सारे कुल और भाषाओं में से लिया है। चौबीसों बुजुर्गों ने अपने ताज चरणों में उसके है डाले, चौबीसों बुजुर्गों ने अपने ताज चरणों में आपके है डाले, और नया गीत गाया। हालेलुया। और नया आमेन गीत गाया। सारे आदर और सारी महिमा के यो, सारे धन और सारी शक्ति के यो, वध किया हुआ मेमना है। क्योंकि उसने ही अपने लहू से हर कुल और भाषाओं में से, क्योंकि उसने ही अपने लहू से हर कुल और भाषाओं में से लोगों को मोल लिया है, मेरे को मोल लिया है। सारे
सारे आदर और सारी महिमा के योग्य, सारे धन और सारी शक्ति के योग्य। कद किया हुआ मेमना है, लाखों स्वर्ग दूतों ने भी ये गाया, आओ हम भी नया गीत गाए। लाखों स्वर्ग दूतों ने भी ये गाया, आओ हम भी नया गीत गाए। मुंह के बल गिर के चरणों में आके, अपना सजदा उनको चढ़ाए। मैं मुंह के बल गिर के चरणों में आके, अपना सजदा आपको चढ़ाए और नया गीत गाए, और नया गीत गाए। सारे आदर और सारी महिमा के, सारे धन और सारी शक्ति के ओ। अध किया हुआ मेमना है, सारे आदर और सारी महिमा के, सारे धन और सारी शक्ति के ओ। अध किया हुआ मेमना है, ओ बद किया हुआ मेमना है, बद किया हुआ मेमना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे आदर, सारी महिमा, सारे धन, सारी शक्ति के योग्य बद किया हुआ मेमना है। प्रभु के नाम की तारीफ हो, खुदा का धन्यवाद हो। केवल वही आदर और इज्जत और महिमा के योग्य है। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आप एक मकसद से आए हैं, उनकी उपासना करने के लिए, और उस उपासना में थोड़ी कमी ना रह जाए। आप देखिए, आप जिस समय में आप रह रहे हैं, जब पुस्तक खुल चुकी, वो समय की बात करें जब पुस्तक खुली नहीं थी, जब वो बैलों बकरों के लहू के नीचे थे, उस समय भी कुछ लोग थे जो खुदा की उपासना करते थे। ब्रदर, आपको मौका मिला है खुदा की उपासना करने के लिए। यह कोई गर्मी नहीं है जिस गर्मी में आप और मैं बैठे हैं, आपके लिए तो एसी मुहैया किए गए हैं। उन भाइयों के बारे में बात करते हैं, वो तीन भाई, इब्री भाई, जबकि आग धधकते भट्टे में डाल दिए गए। मेरे भाई, मेरी बहन, 7 गुना धधकाए हुए भट्टे में। वहां पे 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं होगा, वहां 1000 डिग्री टेम्परेचर होगा जिसमें वो डाले गए, लेकिन बड़े विश्वास के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन फिर भी खुदा का धन्यवाद कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, वो खुदावन की तारीफ में पीछे नहीं हट रहे, कह रहे डाल दो हमें भट्टी में, लेकिन अपने खुदावन का मुंह से इकरार करेंगे, उस वाहिद खुदा का धन्यवाद करेंगे। आज आप और मैं कह सकते हैं, इस खुदावन का जो इस बादल में प्रकट हुए हैं, हम खुदा का धन्यवाद करेंगे। ब्रदर, वो भाइयों के लिए खुदावन उतरा है। There was a fourth man in the fire. I want to tell you one thing. वो खुदावन आज यहाँ मौजूद है। ये गर्मी कुछ गर्मी नहीं है, उस गर्मी के बारे में सोचिए ब्रदर, जो आने वाली है, जिसमें संसार प्रवेश करने वाला है। खुदावन ने लेकिन आपके लिए एक बहुत ही महान संदेश दिया। मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा का धन्यवाद करेंगे। एक गीत और गाएंगे, गीत का नंबर 311 हिंदी सेक्शन से। मेरा यीशु है सबसे महान, कोई नहीं है उनके समान, वो सत्य हैं, ज्योति हैं, जीवन की रोटी हैं, मुझको खिलाए वो चौपान। मेरे यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान, मेरे यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान, वो सत्य है, ज्योति है, जीवन की रोटी, वो सत्य है, ज्योति है, जीवन की रोटी है, मुझको खिलाए वो चौपान, कोई नहीं उनके समान, मेरे यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान, वो ही केवल सृष्टि करता, वो
ही पालन सचे है, वो ही केवल सृष्टि करता, वो ही पालन हार है, वो ही धर्मी, वो ही न्यायी, वो करते उद्धार है, वो ही धर्मी, वो ही न्यायी, वो करते उद्धार है, वो है मेरे निकट कुटुंबी, उन्होंने दाम चुकाया हालेलुया। यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान, मेरे यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान, वो है सोसन काटी के शारों के गुलाब है, वो है सोसन काटी के शारों के गुलाब है, अब तक जो बंद रही आज खुली किता, Amen, hallelujah. अब तक जो बंद रही आज खुली किताब है, धर्म का सूरज चमक रहा है, जीवन में ज्योति लाया है, मौत का कोई भय नहीं है, वो है जीवन पुनरुत्थान, मेरे यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान, मेरे यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान, वो है अल्फा और ओमेगा, वो ही भोर के तारे हैं, वो है अल्फा और ओमेगा, वो ही भोर के तारे हैं, वो ही कृपालु, वो ही दयालु, हर मुश्किल सहारा है, वही कृपालु सचे, वही दयालु, हर मुश्किल में सहारा है, वही लड़े हैं मेरी लड़ाई, मुझे मसीह में छुपाया है, दुश्मन मुझको मार सकाना, मेरा बने वो शरण स्थान, मेरे यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान, मेरे यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान, वो सर्वसमर्थी, वो महाराजा, सदा का राज उन्हीं का है, वो सर्वसमर्थी, वो महाराजा, सदा का राज उन्हीं का है, वो है विजेता, उनकी प्रभुता, शैतान को उन्होंने ही जीत
जीता है, वो है विजेता। Amen, hallelujah। शैतान को उन्होंने ही जीता है, संग सिंहासन पर बैठाए, लेकर नाम बुलाया है। मेरा दूल्हा कभी ना भूला, मेरा रख दे पूरा ध्यान तेरे ये। हालेलुया, आमीन। कोई नहीं उनके समान, मेरे यीशु सबसे महान। कोई नहीं उनके समान, वो सत्य है ज्योति जीवन की रोटी, वो सत्य है ज्योति जीवन की रोटी। मुझको खिलाए वो चौपान, कोई नहीं उनके समान। मेरे यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान, कोई नहीं उनके समान, कोई नहीं उनके समान। हालेलुया, हालेलुया। मेरे यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान। वो सत्य है, वो ज्योति है, जीवन की रोटी है, और वो ज्योति हमारे बीच में प्रकट हुए हैं। क्या आपका हृदय आनंदित है? मैं कुछ लोगों को देख सकता हूं जो आज बहुत ज्यादा खुश है, जो बहुत ज्यादा आनंदित है उस खुदावंत की मौजूदगी में आकर के। प्रभु के नाम की तारीफ हो। भाइयों, मेरे बहनों, मैं खुदावंत के नाम को ऊंचा करना चाहता हूँ, मैं खुदावंत के नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो सर्व सामर्थी, वो महाराजा हैं, सदा का राज उन्हीं का है, वो है विजेता, उनकी प्रभुता है। कैसे थर्सडे को देख रहे थे, 24 घंटे के अंदर खुदावंत ने शोमरोन में हालत बदल दी। 24 घंटे पहले अकाल है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लेकिन 24 घंटे के अंदर खुदावन ने परिस्थितियों को बदल दिया। ऐसे खुदावन विजेता है, ऐसे खुदावन हमारे बीच में आते हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परिस्थितियों को बदल देते हैं, पासा पलट देते हैं। 24 घंटों के अंदर जो विश्वास नहीं कर रहा था, वो देखने तो पाया लेकिन खा नहीं पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप यहां पे बैठे, किसी आलोचक आंखों से ना बैठे, जब आप यहां बैठे, खुदावन का भवन इज अ हाउस ऑफ करेक्शन। आमीन। किसी को हेच निगाह से ना देखना, अपने किसी भाई या बहन को हेच निगाह से मत देखना। ओ पास्टर भाई उनके लिए बोल रहे थे, ओ पास्टर भाई उस भाई के लिए बोल रहे थे, ओ पास्टर भाई उस बहन के लिए बोल रहे थे। ब्रदर, आज जो सबसे बड़ा गुनहगार है, कल वो सबसे बड़ा संत बन सकता है मेरे भाई। ये खुदावंद है जो हमारे बीच में आते हैं। बाइबल में लिखा है, जितनों से मैं प्रीति रखता हूं उनको उलाना ताड़ना देता हूं, अगर जिसकी उलाना और ताड़ना नहीं वो पास्टर है। वचन के अनुसार मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, कैसे खुदावन संदेशों के मार्फत, कैसे हमारे अजीज पास्टर के मार्फत। लुधियाना की मीटिंग कितनों ने सुनी होगी, कईयों ने सुनी है, मैंने भी सुनी थी। मैं बहुत ज्यादा ब्लेस हुआ, और मेरे पास वहां से भाई का फोन आया है, पास्टर जॉन का, ब्रदर व्हाट एन अनॉइंटिंग, क्या अभिषेक हमने महसूस किया। मेरे भाई, मेरी बहन, एक गिफ्ट खुदा ने आपको और मुझे दिया है, एक और मीटिंग के रूप में उसको छोड़ने मत। कल का मैसेज मैं सोचता हूं कईयों ने सुना होगा, एक बर्थडे पार्टी का मैसेज था, और जिसने नहीं सुना अभी यूट्यूब पे पढ़ा है, भाई जो सुन लेना। मैं हिलावाऊं जड़ों से, मैं हिलावाऊं जड़ों से। खुदावन अगर सुधार कर रहे हैं, खुदावन कह रहे हैं गेट बैक इन लाइन का मतलब, ब्रदर अब दुल्हन का यहां से ऊपर जाने का समय आ चुका है। जो गेट बैक इन लाइन हो जाएंगे वो तो ऊपर चले जाएंगे, जो अभी भी संसार के साथ चलते रहेंगे, उन्हीं बातों में उलझे रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समय आ चुका है खुदावन के साथ सीधे हो जाए। बच्चों, जवानों, बुजुर्गों, अपने आप को संसार से हटाओ। कल एक बेटे का बर्थडे था, बच्चे का, 1 साल का हुआ भाई, लाजरस जो एम्स में है, उनके दोते का बर्थडे था, भाई राजेश बहन अक्षा के बेटे का। और आप में से कईयों ने उस संदेश को सुना होगा,
चालू तो बड़ा धीमे से चालू हुआ था, लेकिन अचानक से कैसे खुदावंद उतर आए, कैसे उल्हाना देने लगे, कैसे करेक्शन करने लगे, और कैसे खुदावंद ने प्रेरित किया हमारे पास्टर को। शरीर कमजोर था, लेकिन मैं विश्वास करता हूं रूह मुस्तैद है। और कैसे वो प्रचार कर रहे थे, कैसे वो हन्ना के बारे में बात कर रहे थे, कैसे कह रहे थे कि आप में से कितने लोग लालायत होते हैं जब आप भवन में आते हैं, ये भी एक और मीटिंग की तरह ना चला जाए। लेकिन खुदावंद में अपेक्षा के साथ, आपको याद है कुछ दिन पहले भाई ने अपेक्षा को लेकर प्रचार किया था, सिमियन को लेकर के, आप में से कितना को याद है? ब्रदर मैं सबके हाथ नहीं देखता, इसका मतलब लोग भूल जाते हैं ब्रदर्स, उन संदेशों पे वापस लौटें, ढीले हाथों से मत आए। एक और मीटिंग, एक और वचन का प्रचार, एक और बीज बोना और एक और वॉश आउट। लेकिन जब आप यहां पर आए, हन्ना बड़ी अपेक्षा के साथ आए, एक सताव है उस कलीसिया के ऊपर। और भाई ने कल मैसेज लिया, हन्ना एंड मैन चाइल्ड, मैंने भाई टाइटस से बोला मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा, इसलिए मैं टाइम को ले रहा हूं और मैं गवाही के रूप में कुछ बातों को रखना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये हमारे जगने का समय है, ये सोने का समय नहीं है। कोई खुमारी आपको आके घेर ना ले, लेकिन सजग और जागृत हो जाए। जब खुदावन आते हैं ब्रदर, अलौकिक होता है। कैसे भाई बोल रहे थे कि ये समय है हदराक का, याद है एक हदराक हमारे बीच में हुआ है ब्रदर, और अगर हदराक हुआ है तो कुछ लोग उसमें पाए जाएंगे ब्रदर, जिनके जीवन में वो साइकिल रिपीट होगी। और कैसे भाई ने उस मैसेज को लिया, हन्ना एंड द मैन चाइल्ड, क्योंकि बेटे का नाम शालोम था, और बेटे का नाम सैमुअल है, बेटे का नाम सैमुअल है, तो सैमुअल का बर्थडे था, सैमुअल का जन्मदिन था, सैमुअल के जीवन में एक हदराक हुआ, एक टाइम उसका पैदा होने का है, लेकिन अब एक साइकिल वो आगे बढ़ चुका है, एक सेला उसके जीवन में आ चुका है, एक अष्टांग उसके जीवन में आ चुका है, एक हदराक आ चुका है। मैं बड़ा ही सजग होकर मैसेज सुन रहा था, मैं बहुत उत्साहित हो रहा था, मैं जानता हूं स्टेज पर मेरी हालत क्या हो रही थी, मैं इतना ज्यादा भर गया था ब्रदर, मैं बता नहीं सकता आपको। मेरा उसके बाद खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा था, मेरा मन कर रहा था मैं कहीं कोने में जाऊं, मैं खुदा उनसे बातचीत करूं। भाई पास्टर भाई बोल रहे थे कि जाकर के कि मैं चाहता हूं कि लोग बाग उस मैसेज को सुने, अ थिंकिंग मैन्स फिल्टर, याद है आपको? और मैंने सोचा कि मैं घर जाऊंगा और मैं घर जाकर के संदेश निकालूंगा और थिंकिंग मैन्स फिल्टर सुनना शुरू करूंगा, बिकॉज आई नीड दैट फिल्टर इन माई लाइफ। आप में से कितनों को वो फिल्टर होली गोस्ट चाहिए अपने जीवन में ब्रदर, ताकि तमाम संसारिकता उस छलनी में से दूर हो जाए, केवल और केवल खुदा कलाम रहे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कितनों को चाहिए वो छलनी आज अपने जीवन में। मैं उस उत्सुकता से गया, मैंने अपना मोबाइल उठाया, मैंने टेबल खोला, और मैं पिछले दिनों में एक मैसेज सुन रहा था जहां पे मैंने उस संदेश को रोका था, और मैसेज का नाम है, मैं चाहूंगा भाई निकालें उसको, 1955 का सबसे पहला मैसेज, मलकीसेदेक द ग्रेट प्रीस्ट एंड किंग, 1955 का मैसेज, पहला मैसेज, 5 और 5 अनुग्रह, अनुग्रह। हन्ना का मतलब क्या है? अनुग्रह, फेवर। और जब मैंने टेबल खोला तो मेरे सामने खुला 55वां अनुच्छेद, क्योंकि वही मैंने रोका था, मैंने उससे आगे सुना नहीं था, मुझे नहीं मालूम था नबी क्या बोलने वाले। ब्रदर मैं चाहूंगा कि अपनी आंखों से 55वां अनुच्छेद देखें क्या लिखा है। हन्ना व्हेन शी वाज एट द टेंपल एंड शी वाज प्रेइंग एंड एली केम आउट एंड थॉट शी वाज ड्रंक। ब्रदर क्या प्रचार हो रहा था कल रात्रि, मैं पागल हो रहा था अपने कमरे में, मैं फट रहा था, मैं बता नहीं सकता आपको कल क्या हो रहा था मेरे साथ। ब्रदर अगर आपके साथ ये हो, मैं नहीं जानता आपके साथ क्या होगा, मैं सुन के गया वही बात है। मैं उस छल्ली को अपने जीवन में चाहता था, मैंने मैसेज खोला, मैसेज कोई और खोला। हन्ना व्हेन शी वाज एट द टेंपल एंड शी वाज प्रेइंग एंड एली केम आउट एंड थॉट शी वाज ड्रंक। मैंने अपनी पति को उठाया, मैंने देखो रेनू, देखो क्या निकला मेरे सामने खुल करके। एंड शी सेड आई एम नॉट ड्रंक बट आई एम प्रेइंग दैट गॉड विल टेक अवे माई रिप्रोच। ही सेड लॉर्ड गॉड ग्रांट अनटू दी thy request, and God could have placed little Samuel right in Hannah's arms,
All of us knows that He's a creator of all things. Just speaks in it into existence. He could have put it right in Hannah's arms. But instead of doing that, it was a regular procedure of 9 months before the little baby come along. He could have done it instantly, but he didn't do it instantly. He just gave her the promise, and she inherited the promise. मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद ने मुझे वायदा दिया है. मैं रोक नहीं पाया. मैंने तुरंत भाई आशीष को फोन लगाया. रात के लगभग 12:45 बज रहे थे. मैंने कहा भाई मैं मैसेज सुनना चाहता था थिंकिंग मैन्स फिल्टर, लेकिन ये मैसेज सुन रहा था मैं जिस कड़ी पे मैंने रोका था. मुझे नहीं मालूम नबी अगली वाक्य क्या बोलने वाले. टेबल खोला, पहली चीज सामने लिखा हुआ है हन्ना शी वॉज प्रेइंग इन द टेम्पल. मैंने कहा खुदावंद ने जो कल संदेश दिया है उसको पुष्टिकृत किया भाई. मेरे भाई ने कहा बेटे आपके जीवन में एक हदराक आया है. एक बेदारी 2012 पे आई थी. कुछ ऐसी बातें हमारे बीच में होती थी. मैं दोबारा से एक रिपीट को अपने जीवन में देख पा रहा हूं ब्रदर. ये चीजें कोई नॉर्मल चीज होके आपके जीवन से निकल ना जाए ब्रदर. आज जब आप यहां बैठे और खुदावंद के दास को यहां से बोलते हुए सुने, बड़े सजग बैठे, होठ तो कई बार थरथराते हैं, कई बार लड़खड़ाते हैं, लेकिन वचन में ही लिखा है मैं थरथराते होठों से और ऐसी जुबान से खुदा का उपासना करवा दूंगा. ब्रदर क्या हो, आज वो बीज यहां से दिया जाए और कोई हन्ना यहां बैठी हो जो उस बीज को आज ग्रहण करे. कुछ वादे आपके और मेरे लिए भी है मेरे भाई मेरी बहन. एक रैप्चर का प्रॉमिस है, एक दोबारा ऊंडे ले जाने का प्रॉमिस है, एक कुछ खाली पात्रों का भरे जाने का वायदा है. ब्रदर पकड़ के रखिए. हो सकता है ये वो मीटिंग हो आज सुबह की, हो सकता है आज शाम को वो मीटिंग हो. ब्रदर्स आप सोते बना निकल जाएं, जैसे भाई थर्सडे कह रहे थे कि भाई पीछे जमाई ले रहे हैं. ब्रदर ये जमाई लेने का वक्त नहीं है, ये नींद से जग उठने की वक्त आ पहुंचा है. जो सोए हुए थे वो तो ब्याह के बोझ से दूर हट गए, लेकिन कुछ जगे हुए थे जिनके पास एक्स्ट्रा ऑयल था वो प्रवेश कर पाए, वो प्रवेश कर पाए. मेरे भाई मेरी बहन नींद में ना रह जाए आज सुबह. आज शाम नींद में मत रह जाना जब प्रभु अपने वचनों को बोले. ब्रदर एक और मीटिंग में आए हैं, गर्मी बहुत है, ये एसी काम नहीं कर रहे. एसी ना भी काम करेंगे नहीं भी काम करेंगे तभी मेरा हालेलुया होगा, तभी मेरा प्रेज़ द लॉर्ड होगा. मेरे भाई लोग इस बात के गवाह हैं, वो म्यूजिशियंस. जब हम यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुए थे 2012 में, वहां पे कोई एसी नहीं चलता था यहाँ पे. एन गर्मी में June 8 को तपती धूप में छत तप रही होती थी और रात को जब हम यहाँ पे इकट्ठा होते थे पसीने गिर रहे होते थे, लेकिन उस पसीने में भी खुदा का धन्यवाद करते थे. एक गिटार के साथ खुदावंद का धन्यवाद करते थे. ब्रदर्स गर्मी गर्मी लगेगी नहीं आपको अगर आप खुदावंद की उपस्थिति में आ जाएं, अगर आप खुदावंद की प्रेजेंस में आ जाएं. मेरे ब्रदर्स मेरे भाइयों मेरी बहनों अगर आप जग जाओ इस बात को लेकर के आप चुपचाप नहीं बैठोगे. यह है मेरी गवाही जो मैं आज सुबह आपके सामने रखना चाहता था. खुदा ने एक हदराक मेरे जीवन में दिया ब्रदर. ऐसे ही नहीं घट गया ब्रदर. इन संदेशों को यूं ही मत जाने दें. खुदावंद तो अपना काम करा लेंगे. पास्टर बाहर जा रहे हैं पूरे मई के महीने में और कैसे बाहर के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, रो रहे हैं. ब्रदर आपके जीवन में गिफ्ट दी गई है, आप उसको हकीर ना जाने. एक और मीटिंग के रूप में छोड़ ना दें, लेकिन अपेक्षा की हालतों में आए. आज मैं उस बीच को ग्रहण करके जाना चाहता हूं लॉर्ड. मैं यूं नहीं जाना चाहता. हन्ना रुकी रही, बाकी लोग उठ के चले गए, हन्ना टिकी रही उस कोने में, दुआ करती रही, घुटनों पे बनी रही. एली उसके बेटे नहीं समझ रहे क्या हो रहा है उसके साथ, लेकिन मैं बताना चाहता हूं वो हन्ना टिकी रही घुटनों पे, वो प्रार्थना करती रही और खुदावंद ने उसके जीवन में अलौकिक किया. वो रात थी उसके जीवन में जब वो बीज उसके अंदर आ गया. खुदावंद ने उसके रिप्रोच को उसकी नामधराई को दूर किया. मेरे भाई मेरी बहनों आज संसार से भी दबाव है, आज कई जगहों से दबाव है, लेकिन ये हन्ना आज आनंदित है. आज खुदावंद के भवन में आई है खुदावंद से उस बीज को ग्रहण करने के लिए. आमेन. आप लोग तैयार हैं? खुदावंद का नाम मुबारक. आने वाले थर्सडे भाई पीटर मैसी उनके ग्रुप की फास्टिंग प्रेयर की बारी है. मीटिंग के तुरंत बाद भाई डोनाल्ड मैस बेंजामिन से मुलाकात करेंगे नीचे और सुबह आज टाइथिंग नहीं होगी, पास भाई नहीं है. और तमाम ग्रुप के मेंबर से रिक्वेस्ट है कि वो नीचे जाके तुरंत भाई डोनाल्ड से मुलाकात करें. गॉड ब्लेस यू ऑल. आइए
जबकि हम लोग सब खड़े हैं उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। Only believe, only believe, and all possible. My Lord, I believe. My Lord, I believe. And all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. Aziz by Titus. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने हमें एक और मौका दिया। प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद हो। प्रभु जी आपकी डीलिंग के लिए, प्रभु जी जो आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। प्रभु जी हम साक्षात आपको हमारे बीच में चलता हुआ फिरता हुआ देखते हैं। प्रभु जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी ओ प्रभु जी हम जानते हैं समय बहुत निकट है। प्रभु जी समय खत्म हो चुका है प्रभु जी और आखिरी पुकार हो रही है प्रभु जी और ये लास्ट मैसेजेस हैं प्रभु जी जो प्रचार किए जा रहे हैं। प्रभु जी ओ प्रभु जी जिन्हें आपने बिना आलम से पेश तक चुना है प्रभु जी वो जल्द से जल्द निकल करके आने पाए, वो आखिरी भेड़ जल्द से जल्द निकल करके आने पाए। प्रभु जी हमारा यहाँ से जाना हो सके। प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आपकी लिविंग डीलिंग के लिए, कैसे भाई निश्चल ने बताया प्रभु जी, प्रभु जी ये कोई आम बात नहीं है। प्रभु जी ये आप बताते हैं साक्षात आप उतर करके आते हैं प्रभु जी और आप एक देह को इस्तेमाल करते हैं प्रभु जी और आपके वचन के द्वारा जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है प्रभु जी आप हमसे बोलते हैं, हमसे बातचीत करते हैं प्रभु जी और इस मैसेज को आप विंडिकेट भी करते हैं। प्रभु जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी हमारे पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें। प्रभु जी जो कुछ भी लूज मोशन की शिकायत है, जो कुछ भी वॉमिटिंग की शिकायत है प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। प्रभु जी हमारे भाई को आप तंदुरुस्त करें प्रभु जी और रिस्टोर करें। प्रभु जी अच्छी सेहत दीजिए, अच्छी हेल्थ दीजिए प्रभु जी और शाम को प्रभु जी फिर से एक बार आकर वो खुदा बाप आपके बच्चों को मिनिस्टर कर सकें। प्रभु जी वचन को जो हमारा रिक्वायर्ड है प्रभु जी लेकर के आ सकें। प्रभु जी आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी जितने भाई बहन यहाँ पे आए हैं सबको आप बड़ी बरकत दें। प्रभु जी सबको बड़ी आशीष दें प्रभु जी क्योंकि आपका वचन यही बताता है जो जो उस दिन को नज़दीक आते देखो आपस में मिलना जुलना। हम जानते हैं प्रभु जी वो दिन बहुत निकट है। प्रभु एक बड़ी अपेक्षा से आपके बच्चे आते हैं प्रभु जी और आप हमसे बातचीत भी करते हैं। प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद, भला हो प्रभु जी जब हम यहाँ से रात को जाएं कहते हुए जाएं
भला हुआ हम आज यहोवा के भवन गए जहाँ उन्होंने हमसे बातचीत करी। ओ खुदा बाप आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद करते हुए प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमेन। जबकि हम लोग खड़े हुए हैं प्रभु के वचन से निकालेंगे, एक ही आयत है, जानी मानी आयत है, मत्ती 24 उसकी 35वीं आयत। Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Amen. प्रभु जी सच है, प्रभु जी आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आपका वचन कभी नहीं टलेगा, क्योंकि आप इटर्नल है, आप नहीं टलते, क्योंकि आपका वचन यही बताता है, जीसस क्राइस्ट द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर। आप आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, और वचन ही खुदा था, और ये वचन ही देहधारी हुआ प्रभु जी, और ये वचन कभी टल नहीं सकता प्रभु जी। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें, आपके प्रॉफिट ने क्या कहा है प्रभु जी, हम उसे देख सकें प्रभु जी, बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। मेहरबानी से आप लोग बैठ सकते हैं। हम सब जानते हैं हिंदी में क्या मतलब होते, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है, तो हिंदी में पढ़िए भैया, मत्ती 24 उसका 35 आयत। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ऐसे खुदा को हम मानते हैं। हमारे पास्टर भाई पूरे, आपने देखा पूरे महीने भरी गर्मी में भागे भागे फिर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी पंजाब में, अब कल साउथ भी जा रहे हैं, कल विजयवाड़ा वरंगल वगैरह में भी भाई जाएंगे, पूरा हफ्ता वहाँ पर मीटिंग होगी, भाई दौड़े चले जा रहे हैं। और कलीसिया भाई बहनम ने कहा मेरी मीटिंग की सक्सेस, कलीसिया पीछे मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। हमारा कर्तव्य है प्रार्थना करना। भाई निश्चल ने बहुत अच्छा बात कोट करी, मैं उसे पढ़ना चाहूँगा, प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय पहली आयत से पढ़े भैया। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यहुन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और चार चार सिपाहियों के चार पैरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में डाला और 25-25 के चार ग्रुप 100 सोल्जर्स पीटर को गार्ड कर रहे हैं, 25 का एक ग्रुप, 25 का एक ग्रुप, 25 का एक ग्रुप, 25 का एक ग्रुप, चार ग्रुप हैं पतरस को गार्ड कर रहे हैं। कोई निकल सकता है? मक्खी तक भी नहीं निकल सकती। सारे के सारे बंदूक लेके, बंदूकधारी खड़े हुए हैं वहाँ पर पतरस को गार्ड करने के लिए। आगे पढ़े भैया। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर खुदा से प्रार्थना कर रही थी। Prayer was made without ceasing of the church unto God for him. यहाँ लिखा है कोई इंडिविजुअल प्रार्थना कर रहा था, किसी एक भाई का नाम लिखा है, एक बहन का नाम लिखा है, पूरी कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे पास का भाई जब जाते हैं बाहर, हम लोग घरों में प्रार्थना करते हैं, वेरी गुड, लेकिन समय आता है कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करने का। मीटिंग्स फिक्स करी गई है ट्यूसडे को, थर्सडे को, और संडे तो खैर होती है, भैया होते ही हैं, तो भैया बाहर गए हैं, अब बाहर गए हैं तो ट्यूसडे की एक मीटिंग है जहाँ पर कलीसिया इकट्ठा हो सकती है
और वहां पे भैया के लिए प्रार्थना कर सकती है, भाई को प्रार्थना में उठा सकती है। लेकिन कलीसिया इकट्ठा ना हो तो क्या होगा? आगे पढ़े भैया। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था। बीच में सो रहे पतरस। आगे। और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। किसका असर है? कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। याकूब यूहन्ना वगैरह के बारे में नहीं लिखा, याकूब यूहन्ना पतरस, याकूब यूहन्ना वगैरह और बाकी लोग प्रार्थना कर रहे, कलीसिया एज ए होल जो 120 होंगे या जो भी एडअप होके कलीसिया बन गई होगी, सारे के सारे वहां पर इकट्ठे थे। क्यों? क्योंकि उनके लीडर को गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था, उनका लीडर को गवर्नमेंट अरेस्ट कर लिया था। हमारा लीडर, हमारा भाई गया हुआ है प्रचार करने के लिए। यहाँ पर जो हम लोग रह गए हैं, कलीसिया जो रह गई है, हमारा कर्तव्य बनता है हम भाई के लिए प्रार्थना करें। खुदा तो यूज़ कर ही लेंगे, लेकिन मेरे और आपको क्या अजर मिलेगा मेरे भाइयों बहनों? क्या कलीसिया प्रार्थना के लिए, कलीसिया कैसे प्रार्थना करेगी? घर में बैठ के करेगी कलीसिया प्रार्थना करेगी, भवन में आकर के प्रार्थना करेगी। जो यहाँ पर आते हैं ट्यूजडे को वो आएंगे और आकर के भाई के लिए प्रार्थना की जाएगी स्पेशल। प्रभु भाई को इस्तेमाल करें, माइटी इस्तेमाल करें, अच्छे वचन से आशीषित करें। और जहाँ पर जाते हैं खुदा तो इस्तेमाल कर लेंगे, खुदा तो कैसे ना कैसे भाई को इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन मेरे और आपका फर्ज पूरा हुआ पूरा नहीं हुआ? क्योंकि कलीसिया में जो ट्यूजडे को आते हैं वो नहीं आए, कलीसिया में जो ट्यूजडे को आते हैं वो गायब। तो कैसे कलीसिया? आगे पढ़े भैया, बात आगे और क्लियर होगी, पढ़िए भैया। उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले, उसने वैसा ही किया। और फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले, निकला आगे, पढ़िए भाई आगे। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कह रहा है वो सच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। कभी भी नहीं समझ रहे, आगे पढ़े भैया। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, और उनके लिए आप से आप वो खुल गया, सब कुछ खुल गया। प्रार्थना में पावर देखिए, प्रार्थना में पावर देखिए। इसलिए वचन में लिखा यदि तू इस पहाड़ से कहे उखड़ करके समुद्र में चला जा तो हो जाएगा। पावर है प्रार्थना के अंदर मेरे भाइयों बहनों, एक माइटी पावर है प्रार्थना के अंदर, ऐसी छोटी वोटी नहीं है, माइटी पावर है। कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही है और कलीसिया की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। पढ़े भैया आगे। वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, वो उनके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। ये जानकर वो उस यहुन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है, वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। कलीसिया इकट्ठे, पहले लिखा चर्च, उस समय बिल्डिंग तो थी नहीं इनके पास, इनके घर में, मरियम के घर में, जॉन की मदर के घर में सारे लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर, ये नहीं लिखा अपने अपने घरों में प्रार्थना कर रहे थे, या ये नहीं लिखा कि ये अपने घर में प्रार्थना कर रहे वो अपने घर में प्रार्थना कर, एक जगह इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। मेरे भाइयों बहनों, जब खुदा हमें मौका देता है एक जगह इकट्ठा होने का, हम क्यों ना इकट्ठे हों और अपने भाई को प्रार्थना में उठाएं कि प्रभु और माइटी इस्तेमाल करें, अच्छी सेहत दीजिए, दें और सारी बीमारियों से बचा करके भाई को रखें, क्योंकि आखिरी समय चल रहा है, आखिरी समय चल रहा है। प्रभु के रिकॉर्ड में, आपको मालूम है बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, प्रभु के रिकॉर्ड में हमारी चर्च के लिए कहें तो 3 दिन मीटिंग है, एक ट्यूसडे 7:30 बजे का रिकॉर्ड, एक थर्सडे 7 बजे, 2 मीटिंग संडे की 10:00 बजे और 4:00 पे। ये रिकॉर्ड में है, और वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ हाजिर हूँ।
प्रभु यहाँ पर अपने वचन के अनुसार ट्यूसडे 7:30 बजे वहाँ बैठे होंगे स्वर्ग में ड्रामा और गैब्रियल मिकाएल चारों प्राणी 2400 प्राचीन माँ है। प्रभु ने घड़ी देखी, अरे 7:30 बजने वाले, मैं जा रहा हूँ। मिकाएल गैब्रियल ने कहा जा रहे हैं प्रभु जी? अरे आज तुगलकाबाद में मीटिंग होने वाली है और मुझे वहाँ जाना है, वो तो ओमनी प्रेजेंट है हम सब जानते हैं, मुझे वहाँ पर जाना है, मैं वहाँ पर जाऊँगा। एंजल 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 भी उनके साथ साथ, गैब्रियल भी उनके साथ साथ आ करके चले गए। प्रभु जी यहाँ पर उतर के आए, प्रभु ने नज़र दौड़ाई। गैब्रियल प्रभु जी हर मीटिंग में आते थे, गैब्रियल ने कहा प्रभु जी आपने देखा यहाँ पर ये भाई नहीं है, प्रभु जी आपने देखा यहाँ पर ये बहन नहीं है, प्रभु जी आपने देखा यहाँ पर ये भाई नहीं है। प्रभु जी, गैब्रियल क्या तू भूल गया, मैं इन पत्थरों से अपने लिए संतान उत्पन्न कर सकता हूँ, चाहे कोई है या ना है मुझे इससे परवाह नहीं है, मैं पत्थरों से अपने लिए संतान को उत्पन्न कर सकता हूँ। चलो ये ग्रेस है, नहीं आए लेकिन मैं तो यहाँ पे हाजिर हूँ, मैं तो अपने बच्चों की प्रार्थना सुनने के लिए हाजिर हूँ। मेरा प्रभु हर जगह उपस्थित होता है। मेरे भाइयों बहनों, ये लिख के स्वर्ग के रिकॉर्ड में लिखा है 7:30 बजे ट्यूजडे की मीटिंग है। हम यहाँ पर दिल्ली में रह के नहीं आते, हमारा खुदा स्वर्ग से उतर करके आता है। मैं सिर्फ एग्जॉर्टेशन के लिए कह रहा हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं उसे बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 5 पिलर हैं, 1, 2, 3, 4, 5। प्रचारक इन ग्रेस को प्रचार कर सकता है, प्रचारक इस ग्रेस को प्रचार कर सकता है। 5 पिलर ग्रेस हैं और खुदा यहाँ पर उपस्थित होते हैं। क्या हो कि हम भी आए अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया रूप से प्रार्थना करें और प्रभु देखें क्या करेंगे। वंडर आगे चल के पता नहीं, हमें मालूम नहीं क्या से क्या होने वाला, क्योंकि समय बिल्कुल निकट है, समय खत्म हो चुका। मैं एक एग्जॉर्टेशन दे रहा हूँ, नहीं आते जो नहीं आए, ना आए ना आए ना आए ना आए, कोई परवाह की बात नहीं है, लेकिन ये एक एग्जॉर्टेशन के रूप में मैं दे रहा हूँ कि जब खुदा आता है हम क्या खुदा से बड़े हो गए? हम किस खेत की मूली है? हम नाली के कीड़े भी नहीं है खुदा के सामने। जब वो अपना तख्त और स्वार्थ छोड़ करके नीचे उतर के आ सकते हैं, हमको क्या हो गया? हमारे पास क्या बहाना है? हमारे पे क्या क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों नहीं आ सकते उनके पास? हम क्यों ना, जब मीटिंग तो कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि एक बार जो वचन लिखा गया खुदा के आगे कटता नहीं है। मीटिंग जो लिख गई हा? उसका वचन कभी नहीं टलता। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, वचन नहीं टल सकता। तुगलकाबाद की मीटिंग ट्यूजडे की 7:30 बजे लिख गई, कोई चेंज नहीं कर सकता। ये लिखा है और लिखा रहेगा जब तक रैप्चर ना हो, होगा जब तक, ये चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। अब ये मेरे और आपके ऊपर है, आप कितना फायदा उठाना चाहते हैं, कितना लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु तो हर मीटिंग में आते हैं। क्या जाने कुछ बात आपके लिए आ जाए। प्रचारक की थोड़ी बहुत मूर्खता भी सह लें, जैसे पौलुस कहते हैं, थोड़ी मेरी भी मूर्खता सह लो, तो ट्यूजडे को थोड़ी मेरी भी मूर्खता सह लीजिए आप लोग। लेकिन यहाँ पर प्रभु आते हैं, मेन चीज मैं कहना मांग रहा हूँ, प्रभु स्वर्ग छोड़ करके आते हैं। हम किस खेत की मूली हैं कि हम दिल्ली में अपने घरों को छोड़ के नहीं आ सकते। मैं एग्जॉर्ट करना चाहूँगा जो आते हैं उनके लिए भी, जो नहीं आते उनके लिए भी, हर मीटिंग इम्पॉर्टेंट है, हर मीटिंग में यहाँ पर आना आवश्यक है। थर्सडे तो खैर ग्रुप के लिए, सिर्फ ग्रुप के लिए, चलो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ट्यूजडे की मीटिंग तो ओपन है, ट्यूजडे मीटिंग तो ओपन है, क्यों? स्पेस बचा रहे। मैं ट्यूजडे कह रहा था कि जहाँ पर भी थोड़ी जगह खाली है ना भाइयों बहनों, मत सोचिए कि जगह खाली है, यहाँ पर आपकी चौपनी बैठी है और थोड़ी देर में ये चौपनी आपको टक्कर मारेगी। जब वचन चलेगा, जब टक्करे लगेंगी, तब आपको पता चलेगा ये जगह खाली नहीं है। यहाँ पर कोई बैठा है जो सुन रहा है मैसेज और आनंदित हो रहा है। ये है, ये मत सोचना कभी जगह खाली रहेगी। स्वर्गदूत आके बैठ जाते हैं, हमारे प्रभु आकर के बैठ जाते हैं, हमारी थियोफनी बॉडी आकर के बैठ जाती है और आनंद लेती है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हमें मौका दिया तो आए और उसका लाभ उठाएं, मीटिंग्स का, हर मीटिंग का। मैं कोई भी मीटिंग ले, ट्यूजडे की मीटिंग, कोई भी मीटिंग ले, हमें आना आवश्यक है, हर मीटिंग में आना आवश्यक है, क्योंकि ये लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है, रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। मैंने कहा ये बात
मैंने सोचा था, लेकिन निश्चल भाई ने कहा तो मैंने कहा चलो इस बात को मैं रख देता हूँ। प्रभु आप लोग बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। हम मैसेज में चलेंगे। भाई बहन हमने मैसेज प्रचार किया है, टाइम टेस्टेड मेमोरियल्स ऑफ गॉड। ये 1957 का मैसेज है, अगस्त 18 1957 का मैसेज है, टाइम टेस्टेड मेमोरियल्स ऑफ गॉड। समय में परखे गए मेमोरियल, यादगार, खुदा की यादगार। बाइबल के अंदर कुछ यादगारें हैं, कुछ चीज़ हैं, कुछ मेमोरियल्स हैं जो खुदा ने रखे हैं। एक मेमोरियल को हम स्टार्ट करेंगे, देखना चाहें। अच्छा, इससे पहले वहाँ जाएं, आप पहला पत्रस निकालिए, पत्रस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय 18वीं आयत से पढ़ना चालू करें। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हमारा चाल चलन निकम्मा है। आप कहेंगे भाई हमने तो बपतिस्मा ले लिया, हमें तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही मिल गया। वचन बताता है तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है। निकम्मा चाल चलन नहीं होता तो ट्यूसडे को भी ये हॉल जितना यहाँ भरा है, जितने लोग नीचे हैं ना, वो भी भरा रहेगा। ये निकम्मा चाल चलन का रीज़न है कि लोग उतने नहीं आते हैं, ऊपर ही हॉल में बैठते हैं। यदि निकम्मा चाल चलन नहीं रहेगा, प्रभु के प्रति जागृति रहेगी, हम प्रभु के भवन जाएँ। आज हमें जाना है, आज हमें प्रभु से मुलाकात करनी है, तो जैसे संडे को ऊपर और नीचे भरा रहता है, वैसे ट्यूसडे को भी भरा रहेगा। सही है, काम है, सब कुछ है, नौकरी पे जाना है, सब कुछ करना है, वो सही बात है। इसीलिए 7:30 बजे की मीटिंग रखी है, क्योंकि उस समय कोई काम नहीं करता। 7:30 की मीटिंग इसलिए रखी गई है कि सब लोग फ्री होके आराम से यहाँ पर आ करके बैठे। लेकिन चलो, ये निकम्मा चाल चलन है, निकम्मा चाल चलन है जो बाप दादों से चला आता है। एक हटीली जाती है, प्रभु यीशु मसीह के समय भी हटीली जाती थी और आज भी वो हटीली जाती है। हम आएंगे, संडे को आएंगे, आकर के बैठेंगे, वो प्रभु भोज में शामिल होंगे, बाकी मीटिंग में नहीं आएंगे। ये है निकम्मा चाल चलन। आगे पढ़े भैया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें छुड़ाया है, हमको अपना लहू दे करके छुड़ाया है, और वो हमारे निकम्मे चाल चलन को हटाना चाहता है। वो चाहता है हमारे निकम्मा चाल चलन खत्म हो जाए, हम लग लिपट कर प्रभु के साथ चलने वाले हो सके। क्योंकि समय को आप गनीमत जानिए भाई, समय नहीं है, किसी समय भी रैप्चर हो सकता है। अब ऐसा चाल चलन चलता नहीं रहेगा। कितनी भली बात हो हम प्रभु के भवन से रैप्चर में जाएं, कितनी बड़ी बात हो हम यहाँ से रैप्चर में जाएं, जब यहाँ पे मीटिंग चल रही हो, रैप्चर हो, हम यहाँ से ऊपर उठा लिए जाए। आगे पढ़े भैया। उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। नाशवान वस्तुओं के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हुआ। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक है जिन्होंने अपना लहू बहाया, हमारे खुदा ने अपना लहू बहाया, अपना बेशकीमती खून हमारे लिए बहाया। ये टाइम टेस्टेड मेमोरियल है भाई, एक मेमोरियल है कैलवरी क्रूस। 2000 साल पहले हमारा खुदा एक इंसानी जामे में उतर करके आए, उन्होंने मेरे और आपके लिए कैलवरी क्रूस के ऊपर लहू बहाया। कौन है जो अपना लहू बहा सकता है? लेकिन एक क्रूस है, एक कबर है जो खाली है, और कबर कोई खाली है ही नहीं। वो मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जी भी उठे वो, जिसके द्वारा उन्होंने हमें धर्मी ठहराया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हमें छुड़ाया। ये सबसे बड़ा टाइम टेस्टेड मेमोरियल है मेरे भाइयों बहनों, हम और आप उनके बेशकीमती लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। आगे पढ़े भैया। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ, मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा, बैलों बकरों के लहू के द्वारा नहीं हुआ। हर साल बैलों लकड़ों की बकरों की कुर्बानी चढ़ाई जाती थी, उनसे पाप क्षमा नहीं होते थे, थोड़े समय के लिए ढांप दिए जाते थे। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें एक ही चढ़ावे के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया है, जो सिद्ध किए जाते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आगे पढ़ें भैया।
उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। इस अंतिम युग में प्रकट हुआ है, ये बातें हम नहीं समझते थे जब डिनोमिनेशन में थे या बाहर थे, इन बातों को नहीं समझते थे कि उन्होंने हमारे अधर्म की पुस्तक को, हमारी बुक को, हमारे सारे अधर्मों को क्षमा ही नहीं किया, लेकिन वो पुस्तक को भूल जाने वाले समुद्र में फेंक दिया है। हमें इस समय में ही ज्ञात हुआ है कि वी आर जस्टिफाइड, हम सिर्फ क्षमा ही नहीं किए गए हैं लेकिन जस्टिफाइड किए गए। वो एब्स्ट्रैक्ट डीड को खुदा ने मेरे और आपकी क्लियर किया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये हमने शब्द भी नहीं सुने थे, एब्स्ट्रैक्ट डीड वगैरह कहाँ सुना था, हमने सुना नहीं था, लेकिन अंतिम समय में हमारे लिए ये प्रकट हुआ है। अंतिम समय में ये बातें हमारे ऊपर खुल करके आई हैं प्रॉफिट के द्वारा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आगे पढ़ें भैया। उसके द्वारा तुम उस खुदा पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा खुदा पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से अब अधिक प्रेम, भाई निश्चल कह रहे थे, अब कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, एक दूसरे को निष्कपट वे से प्यार करो, सब बराबर हमारे लिए, क्योंकि हम सब एक ही लहू के द्वारा खरीदे गए। वही लहू एक भाई के लिए बहाया गया, वही लहू एक बहन के लिए बहाया गया, वही लहू दूसरे भाई के लिए, दूसरी बहन के लिए, सबके लिए वही लहू बहाया गया, सबके पाप क्षमा हो गए, सबके लिए वही लहू बहाया गया, कोई स्पेशल लहू किसी का नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सब सिद्ध हुए हैं, पवित्र हुए हैं। अब वचन बता रहे, एक दूसरे को प्यार करो, प्योर हार्ट, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से एक दूसरे को प्यार करो, हिकारत की नज़र से किसी को ना देखें, क्योंकि सारे के सारे बेशकीमती लहू के द्वारा खून खरीदे लोग हैं। आगे पढ़े भैया। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं अविनाशी बीज से खुदा के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। खुदा के ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जीवन पाया है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं चलेगा, ना टलने वाले वचन से, अनकरप्ट वचन से हमने नया जीवन प्राप्त किया है। आगे पढ़े भैया। क्योंकि हरेक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। प्रभु का वचन, ये वचन, ये वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, ये वचन नहीं टलता। घास तो टल जाती है, हम भी टल जाते हैं, हम भी घास के फूल की नाई है, हम आज इधर है कल नहीं होंगे, हवा चलेगी और पता भी नहीं चलेगा घास कहाँ गई, लेकिन लेकिन खुदा का वचन हमेशा हमेशा तक अटल रहता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा, क्योंकि यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एकता है, यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक से है, ये वचन कभी टल ही नहीं सकता। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पढ़े भैया इसको। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। खुदा का वचन कभी नहीं टलेगा मेरे भाइयों बहनों, उन्होंने जो कह दिया तो कह दिया, कभी नहीं टल सकता। ये हमारे लिए टाइम टेस्टेड मेमोरियल, सबसे बड़ा मेमोरियल ये खुदा का वचन है। खुदा के वचन को छोड़ करके हमारे लिए और कोई मेमोरियल है ही नहीं। इसलिए जब आज्ञा मूसा को खुदा ने दी थी, कहा था अपनी दीवारों पर लिख लेना, अपने घरों की पट्टों पर लिख लेना, उठते बैठते जागते बैठते अपने बच्चों से इनका जिक्र किया करना पड़ा। ये वचन है, ये वचन का जिक्र हमें करना है, ये वचन हमें हर जगह लिखना है और इनका जिक्र करना है, उठते बैठते सोते जागते, क्योंकि ये वचन है जो कभी नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, बहुत जल्दी है आकाश पृथ्वी टलने वाले हैं, लेकिन खुदा का वचन नहीं टलेगा, क्योंकि ये इटर्नल है, क्योंकि हमारा खुदा इटर्नल है, हमारा खुदा कभी टल नहीं सकता, उसका वचन इटर्नल है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक मेमोरियल टाइम टेस्टेड, एक मेमोरियल की ओर ध्यान करेंगे, देखेंगे यहोशू की पुस्तक।
सब जानते हैं पहले अध्याय में। दूसरी आयत से पढ़े भैया, इसको पढ़ते हैं कॉन्टेक्ट लेने के लिए। बार बार वचन को पढ़ना अच्छा होता है, बार बार वचन को पढ़ने से हमारा माइंड ताज़ा होता है। सबको याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बार बार पढ़ने से हमारा विश्वास और बढ़ता है। जितनी बार वचन को पढ़ेंगे, हाँ, जैसे डॉन गॉसेट की वाइफ, यहोवा मेरे जीवन का धड़कन ठहरा है, मैं किसका भय कहूँ। बार बार वो बहन बोल रही है और बार बार बोलने से उसका विश्वास बढ़ा और वो उठ करके चलने लगी और वो बिल्कुल ठीक हो गई। बार बार वचन को पढ़ना के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। आगे पढ़े भैया। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान समझाएंगे। पांचवी याद पढ़े भैया। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। मेरे भाइयों बहनों, मेरे और आपके सामने कोई नहीं ठहर सकता। हमारे जीवन भर जब तक हम जीवित हैं कोई ठहर नहीं सकेगा। यदि कोई हिम्मत करेगा तो हमारा प्रभु उसको सफा कर देगा। कोई ठहर नहीं सकता, नहीं तो वचन टल जाएगा और खुदा का वचन कभी नहीं टलता। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन नहीं टलेगा। यहोशू को कह रहा है खुदा, तेरे जीवन भर कोई ठहर नहीं सकेगा तेरे सामने। हम इसी वचन को मानने वाले हैं, हम इसी व्यवस्था की पुस्तक को मांगने वाले हैं। यही वचन मेरे और आपके लिए भी लागू होता है। शैतान है जो हमें डगमगाना चाहता है, शैतान है जो हमें घबराना चाहता है, शैतान है जो हमारे ऊपर बीमारियां लाना चाहता है तरह तरह की, लेकिन खुदा का वचन कहता है तेरे सामने तेरे जीवन भर कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। तो फिर कैंसर कैसे खड़ा रह सकता है, या कोई और बीमारी कैसे खड़े रहती है, कैसे हार्ट डिजीज कैसे खड़े रह, कैसे आर्थराइटिस खड़ा रह सकता है। कोई बीमारी, कोई चीज, कोई मुसीबत, कोई तंगाई हमारे सामने खड़ी नहीं रह सकती। ये खुदा का वचन है। आगे पढ़े भैया। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। जैसे मैं प्रॉफेट ब्रदर ब्रैनहम के साथ था, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। मैं उसको लेके आज की संदर्भ में लेकर के चल रहा हूँ। खुदा हमारा हमारे साथ है, प्रोवाइडेड हम उनके साथ साथ चले। जैसे आशीष भाई ने एक संडे को प्रचार किया, यदि हम टर्न होंगे, हम फिरेंगे तो वो फिरेगा। यदि हमारी इच्छा होगी प्रभु के साथ चलने के लिए, वो हमारे साथ साथ चलेंगे। यदि हम अपना मुंह रूठा के बैठ जाए, चलो हम नहीं जाते, हम वचन नहीं सुनते, हम नहीं जाते, प्रभु कहेगा जाओ। तो यदि हमारी इच्छा होगी प्रभु के साथ साथ चलने की, प्रभु हमारे साथ चलेंगे। आगे पढ़े भैया। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने सातवीं पढ़े भैया। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। जो दास मेरे दास मूसा ने दी है व्यवस्था, मेरे दास भाई ब्रैनहम ने जो मैसेजेस निकाले हैं, जो मैसेजेस 1180 प्रीच करे हैं, जो मेरा दास आज वचन को प्रचार कर रहा है, इतना ही हो कि तू उसको मानने में चौकसी करना। देखिए मीटिंग नहीं आएंगे तो सुनेंगे कैसे, मानेंगे कैसे, हाँ। और नेट के ऊपर तो वो अनॉइंटिंग नहीं आती, वो अनॉइंटिंग नहीं देख सकते। जो वास्तव में जो प्रेजेंट होके देख सकते हैं वो अनॉइंटिंग फर्क होती है, हाँ। आगे पढ़े भैया। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, ना उससे बाएं मुड़ना ना दाहिने मुड़ना। आगे पढ़े भैया। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। ये कंडीशन है, हमारे काम आज सफल नहीं होते कई बार कई जगह, मतलब इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है, हमने कहाँ प्रभु के वचन से बाएं मुड़ गए, हम कहाँ प्रभु के वचन से दाहिने मुड़ गए। मेरा ये काम क्यों नहीं बना, मेरे ये बात क्यों नहीं बनी, क्यों मैं फेल हो गया। हम वचन से बाएं मुड़ गए या दाहिने मुड़ गए, चेक करने वाली बात है। आगे पढ़ें। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए,
इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। जो कुछ भी 1180 मैसेज में लिखे हैं, जो कुछ भी आज जो मैसेज हमारे बीच में प्रचार किए जा रहे हैं, जो कुछ भी भाई करण पाल बुक्स प्रिंट कर रहे हैं, जो कुछ भी उनके अंदर लिखा है उसको तू मानने से मानने की चौकसी करना। हर बात को मानना, हर वचन को मानना, न बाएं मुड़ना न दाहिने मुड़ना। आगे पढ़े भैया। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। हाँ, हियाव बांधो दृढ़ हो जाओ। क्या मैंने आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधे दृढ़ हो जाइए। हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले हमारे चारों ओर शिकंजा कसने लगे, उससे पहले प्रभु हमें यहाँ से लेकर के चले जाए। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हियाव बांध दृढ़ हो जा। व्यवस्था की पुस्तक ना तेरे बाएं मुड़े से, ना तू बाएं मुड़ना ना तू दाहिने मुड़ना। आगे पढ़ खत्म कर इसको भैया। हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा खुदा यहोवा तेरे संग रहेगा। खुदा का प्रॉमिस है, जहां जहां तू जाएगा देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक माँ अपने दूध पिए बच्चे को भूल सकती है तो भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारी छवि को अपने हाथों में उठा करके उतार करके रखी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये खुदा का वचन है मेरे भाइयों बहनों। हम कैसे फेल हो सकते हैं, हम कैसे फेल हो सकते हैं? यदि हम फेल होते हैं कहीं तो मेरे और आप में कुछ कमी है कि हम फेल हो गए, लेकिन प्रभु हमें फेल नहीं करते। हाँ, वचन के बने रहे। इसी के साथ आगे यहोशू बढ़ रहे हैं। कमीशन यहोशू को मिला है, यहोशू अब आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे अध्याय में हम सब जानते हैं कैसे स्पाइस को भेजा गया, भेजिए दो भेजिए भेजे गए राहब के पास। हम सब जानते हैं वहाँ नहीं जा रहे। अब यहाँ पे तीसरे अध्याय में आ जा रहेगा। आगे ये आ गए, अब ये यर्दन नदी के पास ये आकर के खड़े हो गए। पढ़े भैया। यहोशू सवेरे उठा और सब इसराइलियों को साथ ले शित्तीम से कूच करके यर्दन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। हाँ। और तीन दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी। हाँ, तीन दिन के बाद। तीन दिन का सिग्निफिकेंस है मेरे भाइयों बहनों, तीन दिन के बाद कुछ होना चाहिए। तीन दिन के बाद, हमेशा तीन दिन के बाद कुछ होता है। तीन दिन की यात्रा करके इब्राहिम और इसहाक भी गए थे, और तीन दिन के बाद उन्हें वो स्थान दिखा था जहाँ पर खुदा ने कहा कुर्बानी करके चढ़ाना। तीन दिन की यात्रा, तीन दिन यहोशू बैठा तीन दिन तक, रास्ता देख रहे हैं कि तीन दिन कब पूरे होंगे, क्योंकि तीन दिन खास है। तीन दिनों में कुछ होने वाला है। हमारे बीच में भी तीन दिन में कुछ हुआ। तीन दिन की यहाँ पर रिवाइवल हुई, तीन दिन के बाद रिवाइवल यहाँ पर आई। ये तीन दिन इम्पोर्टेंट है। ये तीन दिन हर एक के जीवन में आना चाहिए। जब आप खुदा से मुलाकात करें, खुदा से मिलें। तीन दिन तक यहोशू वेट करता रहा। तीन दिन के बाद खास कुछ चीज होने वाली है। आगे पढ़े भैया। प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी, जब तुमको अपने खुदा यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। हाँ, ये बता रहा भाई, आगे आगे वाचा का संदूक जाएगा, आगे आगे वचन जाएगा। लेवी जाएंगे वाचा के संदूक को आगे आगे उठा कर जाएंगे, क्योंकि वचन है जो कभी नहीं टल सकता। ये वचन के आगे देखिए यर्दन नदी कैसे फटती है। पढ़े भैया आगे। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। हाँ, चले नहीं, रास्ता हमें उन्हें मालूम नहीं था। और यहोशू कह रहे हैं पीछे पीछे याजकों के पीछे पीछे चलना। और वाचा का संदूक जिसके अंदर वचन रखा हुआ है, हम सब जानते हैं वाचा के संदूक के अंदर क्या था, दो पट्टियाँ जिसके ऊपर 10 आज्ञा लिखी हुई थी, हारून की छड़ी जो बजट थी, और वो मन्ना था, स्वर्गीय मन्ना रखा हुआ था। खास करके वचन वहाँ पे रखा हुआ था। वचन आगे आगे लेकर के जब प्रीस्ट जाएंगे याजक के कंधे के ऊपर, उससे 2000 की गज की दूरी पर तुम रखना। आगे चलें भैया। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो,
क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हाँ। तब यहोशु ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। हाँ। तब यहोवा ने यहोशु से कहा, आज के दिन से मैं सब इसराइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। हाँ। जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूं। आगे और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को ये आज्ञा दे, जब तुम यर्दन के जल के किनारे पहुंचो तब यर्दन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इसराइलियों से कहा, पास आकर अपने खुदा यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित खुदा तुम्हारे मध्य में है। और तुम जान लोगे एक कुछ होने वाला है, इससे तुम जान लोगे कि जीवित खुदा तुम्हारे मध्य है। आज हमारे बीच में कुछ कुछ हो चुका है, वो पिलर ऑफ फायर आया है, वो चादर आई है, वो रेनबो आया है, वो किंग सोर्ड आई है, इससे तुम जान लोगे कि जीवित खुदा तुम्हारे साथ साथ है। ये चिन्ह है, कोई एक्टिविटी है, कुछ हैपनिंग है, कुछ हैपनिंग होने, यहाँ भी कुछ हैपनिंग होने वाली है, कुछ हैपनिंग से तुम जान लोगे कि जीवित खुदा तुम्हारे साथ है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन हैपनिंग्स के द्वारा। आज हम जानते हैं कि जीवित खुदा हमारे साथ है, वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। आगे पढ़े भैया, इससे तुम जान लोगे कि जीवित खुदा तुम्हारे मध्य में है और वो तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिरगाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा, दुश्मनों को हटा देगा। हमारे सारे दुश्मन भाग करके खत्म हो जाएंगे। आपके सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा, आपके सामने कोई बीमारी खड़ी नहीं रहेगी। इससे तुम जान लोगे कि यहोवा तुम्हारे मध्य में है और तुम्हारे बीच में कोई बीमारी नहीं रहेगी, तुम्हारे बीच में कोई बीमार नहीं रहेगा, तुम्हारे बीच में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे तुम जान लोगे कि जीवित खुदा तुम्हारे मध्य में है। आगे पढ़े भैया, सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यर्दन में जाने पर है। पृथ्वी भर के वाचा का संदूक हमारे बीच में रोज उतरता है, वो वचन रोज हमारे बीच में उतरता है, वो हर ट्यूसडे को हमारे बीच में उतरता है, हर थर्सडे को हमारे बीच में उतरता है, हर संडे को हमारे बीच में उतरता है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे पढ़े भैया, इसलिए अब इसराइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हों, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा का की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन के जल में पड़ेंगे, उस समय यर्दन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। हाँ, ये ढेर होकर ठहरा रहेगा, जैसी वचन आएगा, वचन के सामने पानी कुछ भी नहीं खड़ा हो सकता। जैसे उन्होंने लाल समुद्र को फाड़ा था, वो कह रहे हैं जहाँ वचन आएगा वचन के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। मेरे भाइयों बहनों, वचन के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया, तो इब्लीस आया था उनकी परीक्षा करने, वचन के द्वारा इब्लीस को हरा दिया प्रभु ने। आज भी वचन के द्वारा हम जीत सकते हैं। यदि हमें जीतना है शैतान के ऊपर, यदि हमें जीतना है हर एक शक्तियों के ऊपर, किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है उनके ऊपर हमें जीतना है, तो हमें वचन में जाना पड़ेगा। इसके लिए वचन में क्या लिखा है, इसके लिए वचन में क्या लिखा है, इसके लिए वचन में क्या लिखा है, और जब वचन के द्वारा उन प्रॉमिस को हम क्लेम करेंगे, हम ओवरकम हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आगे पढ़ें भैया, इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यर्दन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, और संदूक के उठाने वाले यर्दन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन तीर के जल में डूब गए, यर्दन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता था। यहोशू ने अप्रैल का महीना चुना था, आगे क्लेरिफाई होगा। ये अप्रैल का महीना चुना था जब यर्दन नदी कड़ाके से बहती थी, पूरी रीति से भरी रहती, कोई भी जनरल हमेशा क्रॉस करना चाहेगा जब पानी कम हो, लेकिन यहोशू ऐसे जनरल है, खुदा ऐसा है, हमारा खुदा है, कहेगा मैं सबसे बड़ी मुसीबत से तुम्हें निकालूंगा, जब पानी यर्दन का पूरे कड़ाके से बह रहा है तब मैं यर्दन को सुखाऊंगा। यदि यर्दन सूखी बह रही है तो लोग कहेंगे वो तो सूखी बह रही थी, और इनके खुदा ने वहाँ से वॉक करा के निकाल दिया, क्या फ़ायदा।
कड़ाके से जर्दन बहेगी और मैं मिरेकल करूंगा और मैं तुम्हें निकालूंगा। हमारा खुदा वंडर वर्किंग गॉड है, और बड़े बड़े प्रॉब्लम में जब हम आ जाते हैं तब हमें निकाल लेता है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जाने देता है, पानी बहने देता है, बह और यर्दन नदी और कितना पानी पिएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और एक समय है, आगे क्या हुआ आप पढ़े भैया आगे। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वो बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुक कर एक ढेर हो गया। और वचन पहुंचा एक तरफ का जल एक तरफ रुक गया और दीवार सा उठा रहा, दीवार सा बन गया। और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वो पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। सारे के सारे पार उतर गए। देखा प्रभु का कमाल, वचन के आगे कोई ताकत खड़ी नहीं रह सकती मेरे भाइयों बहनों। ये वही वचन है जो मूसा के समय में था, ये वही वचन है जो यहोशू के समय था, ये वही वचन है जो प्रभु यीशु मसीह के समय था, ये वही वचन है जो प्रेरितों के समय था, ये वही वचन है जो भाई ब्रैनम के समय था, और ये वही वचन है जो आज हमारे साथ साथ चल रहा है। मेरे भाइयों बहनों, तो हमें क्या प्रॉब्लम होगा, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हर जगह जीत 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 पक्की है। ओनली बिलीव, केवल विश्वास कर, हर चीज संभव है। जहाँ पे वचन होता है हर चीज संभव होती है। वचन के आगे शैतान डर के भागता है क्योंकि वचन खुदा है। जहाँ यीशु आता दुष्ट की शक्ति भागती है, जहाँ यीशु आता दुष्ट की शक्ति भागती है। वचन के आगे दुष्ट खड़ा नहीं रह सकता, वचन के आगे कोई प्रॉब्लम नहीं रह सकती। चाहे यर्दन नदी मौत को दिखाती है, चाहे मौत भी आगे आए, चाहे मृत्यु भी हमारे सामने खड़ी रहे, वचन को पकड़ लीजिए, वचन को पकड़ लीजिए। इसी दाऊद कहता है कि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मौत की वादी से गुजरूं तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ये वचन मेरे साथ है, वचन मेरे साथ साथ चलता है। मुझे किसका भय खाओ। जब ये वचन हमारे साथ साथ चल रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, हमें किसका डर खाना है, हमें किसका भय खाना। यर्दन को आने दीजिए, कड़ाके से आने दीजिए, बस प्रॉब्लम आपके जीवन में आने दीजिए, बस बीमारी आपके जीवन में आने दीजिए। शैतान हमें हरा नहीं सकता, शैतान वचन से जीत नहीं सकता। वचन, जहाँ वचन ने पैर रखा समुद्र डर के भाग गया, यर्दन नदी का जल डर के भाग गया, क्योंकि वचन वहां पे आ गया था। जहाँ वचन आ जाता है शैतान भाग करके चला जाता है, क्योंकि वचन के साथ शैतान नहीं लड़ सकता, उसे मालूम है वचन के साथ मैं नहीं लड़ सकता। आगे पढ़े भैया इसको। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यर्दन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इजरायली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यर्दन पार हो गए। आगे पढ़े भैया, थोड़ा पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें हमें वो सीख मिल रही है। आगे पढ़े भैया। जब उस सारी जाति के लोग यर्दन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर ये आज्ञा दे, तुम यर्दन के बीच में जहाँ याजकों ने पांव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठाकर। 12 पत्थर यहाँ से, अब ये है मेमोरियल, जहाँ पे प्रीस्ट ने पैर रखे थे, जहाँ पे वाचा का संदूक था, खुदा ने कहा था यहोशू से वहां से 12 लोगों को चुन लेना और वहां से 12 पत्थर ले जा करके ग्राउंड में, ड्राई ग्राउंड में बाहर ले जा कर रखना। और यहोशू ने ऐसी आज्ञा दी और उन लोगों ने पत्थर उठाए। 9वीं आयत से पढ़े भैया। और यर्दन के बीच, सॉरी, इन्होंने यहाँ से निकाला, आगे पढ़े, आगे इसी को आगे पढ़े। तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को जिन्हें उसने इसराइलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांट कर ठहरा रखा था बुलवा कर कहा, तुम अपने खुदा यहोवा के संदूक के आगे यर्दन के बीच में जाकर इसराइलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, जिससे तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे, और आगे को जब तुम्हारे बेटे ये पूछें इन पत्थरों का क्या मतलब है। इन मेमोरियल्स का क्या मतलब है, तो क्या बताना, आगे पढ़े। तब तुम उन्हें ये उत्तर दो कि यर्दन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने दो भाग हो गया था। यर्दन का जल भाग गया था, ये सबूत है, ये सबूत है। प्रभु हमारे युग में उतर करके आए, प्रभु ने वो वाचा की पुस्तक को लेकर के आए,
ये सबूत है कि हमारे प्रॉफिट को उन्होंने ऊपर उठाया, ये सबूत है हमारे बीच में जो आता है, ये सबूत है, ये सबूत है हमारे प्रॉफिट ऊपर उठाए गए और उनको ये बताया गया कि जा करके जेफरसनविल में जा करके सात मोहरों के पुस्तक का प्रचार करना, ये सबूत है। आज हमारे पास सबूत है, वो 12 पत्थर वहाँ से निकाले गए, जा करके ब्राय लैंड के ऊपर रखना, और जब तुम्हारे बच्चे पूछे ये क्या है, ये सबूत है कि खुदा ने जब वो वचन बीच यर्दन में गया तो यर्दन फट गई। आगे पढ़े भैया। यर्दन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने दो भाग हो गया था, क्योंकि जब वो यर्दन पार आ रहा था तब यर्दन का जल दो भाग हो गया, अतः वे पत्थर इज़राइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार इज़राइलियों ने किया, जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था वैसा ही उन्होंने इज़राइली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यर्दन के बीच में से उठा लिए और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया। पड़ाव में रख दिया, 12 पत्थर उठा लिए, आगे चल के वहाँ से 12 पत्थर लेकर के जहाँ पे प्रीस्ट रखे थे वो वहाँ पर नदी यर्दन नदी में वहाँ पर रख दिए, और वचन बताता है आज तक भी वो वहाँ पर है। पढ़े भैया आगे। और यर्दन के बीच जहाँ याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे वहाँ यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए, वे आज तक वहीं पाए जाते हैं। ये एक टाइम टेस्टेड मेमोरियल है, 12 पत्थर जो वहाँ पर थे पिरामिड, वहाँ से एक पिरामिड यर्दन नदी में एक पिरामिड है, और वहाँ से 12 पत्थर निकाल के एक पिरामिड यहोशू ने यहाँ पर रखा, उसका नाम उसने गिलगाल रखा, और गिलगाल आज तक उसका नाम है यहाँ पर। और 5वें अध्याय में आ जा भैया। यहाँ पर सारे राजाओं ने सुना, अरे यहाँ पर तो खुदा ने इनके लिए यर्दन को फाड़ दिया, सारे के सारे बहुत घबरा गए और सारे के सारे डर रहे थे। अब आगे दूसरी आयत से पढ़े भैया। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इसराइलियों का खतना करा दे। हाँ, दूसरी आप यहाँ पे पहला खतना हुआ था मूसा के समय में, रास्ते के अंदर जो बच्चे पैदा हुए जो औलाद पैदा हुई उनका खतना नहीं हुआ, और बाकी जो पुरानी पीढ़ी थी सारी सर हम सब वचन से जानते हैं सारे सारे खुदा ने मार करके उन्हें ख़त्म कर दिया, और जो नई पीढ़ी उत्पन्न हुई थी उनका खतना नहीं हुआ था। अब ये यर्दन से सारे के सारे बाहर निकले, यर्दन नदी मौत को दिखाती है, हम देखें तो बपतिस्म को दिखाती है, बपतिस्मा होता है सारे के सारे वहाँ से निकले, सबको बपतिस्मा मिला यर्दन नदी में, यर्दन नदी मौत को दिखाती है, मारे गए गाड़े गए और ये फिर से जी उठे, अब पवित्रात्मा का बपतिस्मा मिलना है, अब इनका खतना हो रहा है, और हम जानते खतना दर्शाता है पवित्रात्मा के बपतिस्मा, खुदा ने कहा इन सारों का तू खतना कर, सारों को पवित्रात्मा का बपतिस्मा दे, खुदा का वायदा है तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्रात्मा का दान पाओगे। यहाँ पे यहोवा ने आज्ञा दी और मूसा ने सॉरी यहोशू ने उसके अनुसार किया। जब उनका खतना हो गया वगैरह वगैरह, अब 9वीं आयत से पढ़े भैया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की आज है, मैंने दूर कर दिया है, आज मैंने अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दे दिया है, आज तुम्हारा खतना हो गया है, आज तुम यर्दन में से पार होकर के निकल करके आ गए हो, आज तुम्हारा खतना हो गया है, आज तुमने अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, आज तुम्हारे नाम धराई पवित्र आत्मा को बपतिस्मा देने के द्वारा मैं दूर करता हूँ, और खुदा ने उनकी सारी नाम धराई दूर कर दी। आगे पढ़े भैया। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। वहां पर आगे पढ़े भैया। इसलिए इसराइली गिलगाल में डेरे डाले रहे और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह माना। गलत 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 गलत, इंग्लिश में लिखा है और 19 आयत हमने पढ़ी नहीं, 19 आयत को पहले ये 4 अध्याय की 19 आयत को पढ़ो भैया। पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यर्दन में से निकलकर पहले महीने के 10वें दिन को ये लोग यर्दन नदी से निकल करके
बाहर आए। पहला महीना अप्रैल का महीना और दसवें दिन को ये लोग बाहर निकल करके आए। हाँ, इसके बाद इनका खतना हुआ। अब दसवीं आयत कहती है, एंड द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल एनकैम्प्ड इन गिलगाल एंड केप्ट द पासओवर ऑन द 14th डे ऑफ द मंथ एट इवन इन द प्लेन्स ऑफ जेरिको। और इन्होंने 14वें दिन को वहाँ पर पासओवर मनाया, फसह का पर्व मनाया। आप सब जानते हैं पर्व में मूसा को खुदा ने आज्ञा दी थी पहले महीने के 14वें दिन फसह का पर्व मनाया जाए, दसवें दिन को मेमना लिया जाए और वो परखा जाए 3.5 साल तक, 3.5 दिन तक, और उसके बाद 14वीं तारीख को गोधूली के समय उसे मारा जाए। ये तुम्हारे लिए पास ओवर होगा, क्योंकि उस दिन खुदा का दूत आया था और उसने सारे मिस्रियों को मार करके ख़त्म किया था। एंड द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल एंड कैंप इन गिलगाल, और गिलगाल में थे और कैप्ट द पास ओवर ऑन द 14th डे, 14वें दिन को उन्होंने पास ओवर किया, पास ओवर मनाया। पास ओवर मनाने के बाद यकीनन 7 दिन वो अखमीरी रोटी का पर्व होता है, वो भी शायद मनाया होगा, यहाँ लिखा नहीं है। लेकिन ये जब ये लोगों ने यर्दन पार करी, जब ये लोग नए देश में जाने लगे, वो अप्रैल का महीना था, वो पहला महीना था, और वो 10वें दिन को ये निकल करके आए। इसको इनका सिग्निफिकेंस है। और 14वें दिन को इन्होंने पास ओवर करी। उसके बाद क्या होता है, 14 अप्रैल, अब हम आ गए 14 अप्रैल को, 11वीं आज पढ़े भैया। और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया। नेक्स्ट डे से मन्ना बंद हो गया। 13वीं आयत से पढ़े भैया। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में एक नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। 14 अप्रैल के आसपास जब यहोशू था आगे, उसने देखा एक दूत खड़ा हुआ है नंगी तलवार लेकर के। 14 अप्रैल को यहाँ पर क्या हुआ, 14 अप्रैल को एक दूत यहाँ पर उतर करके आया, एक दूत यहाँ पर उतर करके आया, उसके हाथ में एक तलवार थी। यहोशू ने देखा एक दूत उतर करके आया। मेरे भाइयों बहनों, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यही समय है जब यहोशू कनान देश में जाने की कोशिश कर रहा है, यही समय है जब हम रैप्चर की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, यही समय है जब हम इटर्निटी की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, यही समय है जब हम अपने कनान देश में जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, यही समय है जब वो दूत उतर करके आता है। और दूत खाली हाथ नहीं आता है, उसके हाथ में एक तलवार है। पढ़ो भैया आगे। और क्या देखा कि हाथ में एक नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर के आया हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ 14 अप्रैल के लिए, वो सेनाओं का यहोवा का प्रधान आज हमारे पास आ चुका है। वो सेनाओं की यहोवा का प्रधान एक तलवार लेकर के, वो किंग थोर को लेकर के, वो तलवार को लेकर के, वो राजा की तलवार को लेकर के हमारे बीच में उतर करके आ गया है। यहोशू ने पूछा, तू किसकी ओर से है? वो मेरी ओर से है, आपकी ओर से है। मेरे भाइयों बहनों, वो हमारे पास वो तलवार लेकर के आ गया है जो खुदा का वचन है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें कनान देश को कॉन्कर कर कनान देश तक जाना है, हमें रास्ते में कॉन्करिंग करना है, तो तलवार की बहुत आवश्यकता है। प्रभु का बहुत बहुत, हम इसको पढ़ के ख़त्म करें भैया। सेम हैपनिंग हमारे बीच में हो रही है, सेम चीज़ें आप देखिए अप्रैल महीने की हमारे बीच में हो रही है, वही चीज़ मैसेज प्रचार किया जा रहा है। एक दूत, वहाँ दूत की पिक्चर नहीं आई, लेकिन तलवार ऐसी नहीं लटक रही होगी। अवश्य वो दूत पहले आ चुका था, अवश्य वो दूध पिलर ऑफ फायर आ चुका था और वो तलवार लेकर के आ गया। यहाँ दूध दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वचन बता रहा है वहाँ एक दूध था, दूध था, दूध के हाथ में तलवार थी। आगे पढ़ भैया। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर
दंडवत किया और उससे कहा अपने दास के जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष कनान देश की ओर बढ़ रहा था यहोशू। जब हम रैप्चर की ओर बढ़ रहे हैं, जब एक के बाद एक मैसेज जा रहे हैं कि रैप्चर की ओर हमें लेकर के प्रभु चल रहे हैं, तब क्या हुआ पढ़े भैया। क्या देखा कि हाथ में एक नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। हाँ, ये नंगी तलवार है, ये नंगी तलवार है, इस कबट के अंदर नहीं है वो, कबट के अंदर नहीं है, उसके म्यान के अंदर नहीं है, रखी हुई है, ये नंगी तलवार है, ये है दोधारी तलवार, ये है वचन की तलवार, ये है नंगी तलवार, जो वो दूत लेकर के आ गया और दूत कह रहा है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब जहाँ जहाँ तुम कदम रखोगे वो जगह तुम्हारी है, जहाँ जहाँ तुम जाओगे, जहाँ पर लड़ाई करोगे वो जगह तुम्हारी है, मैं तुम्हें लड़ाई से जिताऊंगा, मैं उतर करके आ गया हूँ। जब ये तलवार उतर के आ गई है अब हमें क्यों डरना, अब हमारी लड़ाई हमारे खुदा लड़ेंगे, बस हमें आगे बढ़ना है, वचन को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तेरी याद पढ़ने भैया। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है, और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का। तब उसने उत्तर दिया नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुँह के बल गिर कर दंडवत किया और उससे कहा अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। हाँ, प्रभु ने कहा, यहोशू पूछ रहा है मेरे दास के लिए क्या आज्ञा, और दास को प्रभु ने आज्ञा दी तू जा मैं के मैने में निकल करके, तू पंजाब में जा, तू इधर जा, तू उधर जा, साउथ में जा और मेरे वचन का प्रचार कर, ये किंग कोर्ट को लेकर के जा। यहोशू कह रहा है तेरे दास के लिए क्या आज्ञा, और यहाँ पर प्रभु ने अपने दास को आज्ञा दे दी। पहली मई से लेकर के पास्टर भाई भागे फिर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं, ये तलवार को लेकर के इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्कर करना है, क्योंकि कॉन्कर करना है, क्योंकि कनान देश में घुसना है, क्योंकि रैप्चर में जाना है, क्योंकि बहुत जल्दी रैप्चर होने वाला है। उसका दास तलवार को लेकर के जा रहा है। यहोशू ने पूछा क्या आज्ञा है, खुदा ने आज्ञा दे दी अपने दास को। दास को क्या आज्ञा दी, जा करके ये वचन को जा करके उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम जा करके सुना। भाई ने दिन नहीं देखा, रात ना देखी, हर दिन भाई निकल करके चले जा रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ अप्रैल के 14 तारीख के बाद एंड अप्रैल, क्योंकि यरीहो लेने में 7 दिन वहाँ पर एनकैंप रहे, उसके बाद मैं आ गया और कनान देश का पोजीशन लेने के लिए मई का महीने में ही यहोशू और उसकी आर्मी आगे बढ़ रही है। ये मई का महीना है जहाँ पे कॉन्करिंग होगी, ये मई का महीना है जब राजा गिराए जाएंगे, जब कॉन्करिंग होगी, शैतान का गढ़ गिराया जाएगा और हर एक रैप्चर के लिए तैयार होगा। जहाँ जहाँ तेरे पैर पड़े वो जगह मैं तुझे देता हूँ। ये बाइबल के इन वाक्यों के अनुसार हम देख सकते हैं ये मई का महीना था जब यहोशू और उसकी आर्मी ने ऐ में अटैक किया, उसके बाद और आगे आगे चल के अमोरियों से इससे उससे लड़ाई करी, ये सारा मई का महीना था। आज हमारा योद्धा लड़ाई कर रहा है, आज हमारा योद्धा यही मई का महीना है, वो किंग्स रोड को लेकर के आज वो जगह पे जगह जा रहा है और वो लड़ाई कर रहा है, यही मई का महीना है। देखिए हर चीज़ मैच कर रही है, हर चीज़ मैच कर रही है, यही समय यहोशू ने लड़ाइयाँ जीती और यही समय है हमारे पास्टर भाई लड़ाई जीत रहे हैं। प्रभु के सेवक है, प्रभु ने चुना है और कहा जा करके वचन को सुना, जहाँ जहाँ तू जाएगा, जहाँ जहाँ तेरे पैर पड़ेंगे वो जगह मैं तुझे देता हूँ, जहाँ जहाँ तू जाएगा वो जगह तेरी जाएगी। भाई जा रहे हैं जगह जगह, चर्चेस को इस्टैब्लिश तो ऑलरेडी है, चर्चेस को एक फेथ के ऊपर ला रहे हैं, एक विश्वास के ऊपर ला रहे हैं, एक रैप्चरिंग फेथ के ऊपर, एक समझ में उत्तर से दक्षिण से पूरब से पश्चिम भाई भागे भागे फिर रहे हैं कि हर एक चीज हर एक जन तैयार हो जाए कनान देश में घुसने के लिए, कनान देश में घुसने के लिए जिसका प्रॉमिस खुदा ने किया है। कनान देश का प्रॉमिस मेरे और आपके लिए खुदा ने किया है और यहोशू लगा हुआ है, हमारे भाई लगे हुए हैं, कैसे ना कैसे हम कनान देश को घुसने पाए, कैसे ना कैसे हम रैप्चर में जाने पाए। प्रभु का बहुत समय समय बिल्कुल वही है मेरे भाइयों,
समय पे तलवार आई, समय पे तलवार आई, समय पे भाई ने ये मंच चुना कि जाकर के सारे हिंदुस्तान में जाकर मैं प्रचार करूँ। भैया कल से चले जाएंगे सुबह, आखिरी जगह जो रहेगी साउथ, नॉर्थ तो सब हो गया, अब साउथ में जाएंगे, साउथ में जाकर वहाँ पर भी प्रचार करेंगे भाई, जाकर के हर जगह को प्रभु के लिए तैयार करना है। ऑलरेडी लोग हैं कनान देश में, घुसना है, लड़ाई के द्वारा घुसते हैं, क्योंकि स्वर्ग के राज के लिए बलवा होता है और बलवान उसे छीन लेते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक यहोशु के लिए, वो पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे भाई को इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इससे पहले भाई अपना प्रोग्राम बनाते, कैप्टन ऑफ द होस्ट आ गया, वो तलवार को लेकर के वो आ गया और कहा मैं तेरे साथ हूँ, अब तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ जहाँ तू पैर रखेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा। मेरे भाइयों बहनों, ये टाइम टेस्टेड मेमोरियल है मेरे लिए, मेरे और आपके लिए। ये टाइम टेस्टेड मेमोरियल जो पुराने समय के लिए नहीं है, जब यहोशू के समय में क्या हुआ, यहोशू के समय में जो यहोशू ने किया एग्जैक्टली हमारे बीच में वही घटा, एग्जैक्टली वही हमारे बीच में समय चल रहा है, एग्जैक्टली वही हैपनिंग हमारे बीच में चल रही है। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और अब हम मैसेज में देखते हैं कि यहाँ पे भाई बहन हम क्या कहना चाह रहे हैं। और व्हेन यू कम टू क्राइस्ट, जब आप मसीह के पास आते हैं, इफ़ यू कांट एब्सोल्युटली सेल आउट लॉक स्टॉक एंड बैरल एंड कम टू क्राइस्ट, डोंट कम एट ऑल। यदि आप पूरी रीति से बिक ना जाए, अपने आप को खाली ना कर लें, अपने आप को पूरी रीति से खाली ना कर लें, तब मसीह के पास आए, अदरवाइज ना आए। दुनिया भी ले, दुनियादारी थोड़ी सी रहे, थोड़ी मसीहत भी रहे, थोड़ा लोभ संसार का भी रहे और थोड़ा यहाँ का भी रहे। भाई बहनम कह रहे हैं डोंट कम एट ऑल, बट व्हेन यू रियली वांट टू बी क्रिश्चियन स्टैंड आउट, पूरी रीति से स्टॉक पूरी रीति से लॉक स्टॉक एंड बैरल अपने आप को बेच डालें, प्रभु के लिए समर्पण कर डालें, आधे इधर के आधे उधर के हम हो करके ना आए। हम दो मनुष्यों की सेवा नहीं कर सकते, दो नाव पे पैर रख के हम बच नहीं सकते, ये हम जरूर गिर जाएंगे, जरूरत है अवश्य हम गिर जाएंगे। तो पूरी रीति से प्रभु के पास आना है, पूरी रीति से प्रभु के पास आना है, जैसे योशुआ ने पूरी रीति से सरेंडर करा, पूरी रीति से योशुआ खुदा के सामने खड़े रहे। आई एम थिंकिंग ऑफ योशुआ द माइटी वॉरियर, व्हाट ए ग्रेट मैन ही वॉज, हु टुक द आर्मर ऑफ मोसेस एज अ लीडर ऑफ दीज 2 मिलियन जूस। ये 20 लाख लोगों का लीडरशिप योशुआ ने एक्सेप्ट किया, मसीह के वचन के ऊपर, खुदा के वचन के ऊपर उन्होंने विश्वास किया, हाँ, और कैसे वो उनको लीड करता हुआ चला गया, हाँ, एक माइटी वॉरियर, एक महान योद्धा। आज प्रभु ने हमारे बीच में एक महान वॉरियर रखा है, महान योद्धा रखा है। 1965 तक मैसेज खत्म नहीं हो जाता, आज तक चल रहा है। आज खुदा ने हमारे बीच में भी एक योद्धा रखा है जो उसी फुट में, उसी जूतों में अपने पैर रखे हुए हैं। जो भाई ब्रैनम ने मैसेज प्रचार किया, उन्हीं मैसेजेस को आज भाई प्रचार कर रहे हैं। जो मूसा की सेवकाई थी, जैसे यहोशू ने पूरी करी भाई ब्रैनम की सेवकाई थी, वैसे ही हमारे बीच में जो योद्धा है वो उसे पूरा कर रहे हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ए माइटी वॉरियर कॉल्ड, प्रीडेस्टिनेटेड एंड ऑर्डेन्ड ऑफ गॉड। खुदा ने हमारे भाई को भी प्रीडेस्टिनेट किया और ऑर्डेन्ड किया अपने काम के लिए। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे यहोशू को फोर ऑर्डेन्ड किया, 400 साल पहले, गुलामी के पहले फोर ऑर्डेन्ड था यहोशू, वैसे हमारे भाई को भी खुदा ने चुना कि कैसे वो हमें कनान देश में लेकर के जाए, कैसे वो हमें रैप्चर में दे के जाए, कैसे वो हमें हमारी भूमि के ऊपर कब्जा दिलाए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। नेवर अ मैन एवर कुड टुक द शूज ऑफ मोसेस टू फुलफिल देम अनटिल जीसस क्राइस्ट कुड डू इट, और मसीह यीशु उसे करते हैं। इसीलिए
वो तलवार आ गई, इसीलिए वो कैप्टन ऑफ द होस्ट आ गया। इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ खुदा कर सकता है, और जब तक खुदा है इसीलिए खुदा ने समय समय पर विंडिकेट किया। वो पिलर ऑफ फायर आया, वो चादर आई, वो क्लाउड आया, वो सब कुछ आया, और वो तलवार भी आ गई। खुदा करता है, विक्ट्री दिलाने वाला हमारा खुदा है, वही करते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे एंड गॉड सेड टू, उन्होंने हमने देखा वचन को, हमने देख लिया। मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, हमने ऑलरेडी वचन से पढ़ लिया। खुदा ने वहाँ पे मेमोरियल खड़ा करवाया, 12 पत्थर यर्दन नदी में से निकाले, और कैसे उन्होंने ज़मीन के ऊपर रखा, और उस स्थान का नाम गिलगाल रखा, और आज तक वो गिलगाल ही कहलाता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और एक और मेमोरियल है, एक और मेमोरियल भाई बहन हम कह रहे हैं, हम सब जानते हैं वो मेमोरियल क्या है, लूट की बीवी। लूट की बीवी ने ग्रेस को ठुकरा दिया था, ग्रेस को ठुकरा दिया था। सारा अब्राहम के साथ ड्राई लैंड में रहना पसंद किया, लेकिन लूट की बीवी ने चमक धमक के साथ रहना पसंद किया। खुदा ने ग्रेस लूट को भी भेजा, वो वहाँ पर दूत, वहाँ पर लूट के पास भी गया। एक दूत तो यहोवा खुदा खुद इब्राहिम के साथ था, हम जानते हैं कैसे बॉडी चेंज वगैरह हुआ, लेकिन खुदा ने लूट की भी सुधी ली, लूट की बीवी की भी सुधी ली, लूट के बच्चों की भी सुधी ली, और वहाँ पर उन्होंने दो दूतों को भेजा, लेकिन लूट की बीवी ने सुनना ना चाहा। लूट की बीवी को सदोम और गमोरा की चमक धमक से ही ज़्यादा खुशी होती थी, और वो वर्ल्डली हो गई, संसारिकता में हो गई। और जब दूतों ने उसे बाहर खींचा, जाओ निकलो बाहर निकलो, और कहा था पीछे पलट के मत देखना, और उसने स्त्री में पलट करके देखा, एंड द वुमेन बिकॉज शी डिड गॉड गेव ए मेमोरियल टू ऑल द पीपल हु टर्न टू लुक बैक। क्योंकि उसने लूट की बीबी ने पलट के देखा, खुदा ने हमारे लिए एक मेमोरियल रखा है, हमारी एक शिक्षा लिखी है कि हम पलट के ना देखें। क्योंकि वचन ये बताता है, जो अपना हाथ हल पे रख कर पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो पीछे पलट कर देखते हैं मेरे योग्य नहीं है। लूट की बीवी ने पीछे पलट कर देखा, और वो नमक का खंभा बन गई। और यहाँ पे भाई बहन करें, यदि किसी ने क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया एज पर्सनल सेवियर, और यदि वो टर्न बैक करे, तो खुदा उसे नहीं चाहता। शी टर्न टू ए पिलर ऑफ सॉल्ट, और जैसे लूट की बीवी टर्न हुई, वो पिलर ऑफ सॉल्ट बन गई, नमक का खंभा बन गई। एज शी स्टैंड देयर टू दिस डे, इट कैन बी सीन इन द फील्ड। भाई बहनम कह रहे हैं, तो जहाँ पर वो पलट के पलटी, वो वहाँ पर देखा जा सकता, आज भी वो मेमोरियल वहाँ पे खड़ा हुआ है। द वुमन स्टैंडिंग देयर विद हर हेड टर्न, वहाँ पर एक स्त्री को आप देख सकते हो, भाई बहनम कह रहे हैं, उसका सिर पीछे मुड़ा हुआ है, और वो नमक का खंभा बनी हुई है। शी इज लुकिंग बैक ओवर हर लेफ्ट शोल्डर टू लुक बैक इन टू द फील्ड, हर हार्ट वॉज बैक देयर, क्योंकि उसे सदोम और गमोरा में आनंद मनाना होता था। और हम जब हमने मत्ती 24 में जो आयत ली, वहाँ पर मत्ती 24 के अंदर लोगों ने कहा, प्रभु ये मंदिर देखा आपने, 40 साल में ये मंदिर बना। यीशु मसीह ने कहा था, एक दिन आएगा जब इस पर पत्थर पे पत्थर भी नहीं बचेगा, जब ये ढा ना दिया जाए। और आज हम जानते हैं वो मंदिर ढा दिया गया। आर्क ऑफ द कवेनेंट वगैरह कुछ पता ही नहीं, हमें शायद अब मिल गया है उनको, लेकिन हर एक चीज़ वहाँ से ढा दी है। और वहाँ पे जब 24 आयत 24 अध्याय के अंदर हम पढ़ नहीं रहे समय बचाने के लिए, जब यीशु मसीह ने मोहरे खोली, एक से लेके 7 मोहर तक उन्होंने खोल दी। 7वीं मोहर में उन्होंने कहा था अंजीर के वृक्ष का दृष्टांत उन्होंने दे दिया, और यीशु मसीह ने कहा, जस्ट बिफोर ही सेड दिस गीत मेमोरेबल, हेवन एंड अर्थ विल पास अवे। जब ये सारी बातें यीशु मसीह कह चुके हैं मत्ती 24 के अंदर, जब वो कह रहे हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा, ये टेंपल जो तुम मुझे दिखा रहे हो ना, ये भी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। बट माय वर्ड इज एवरलास्टिंग मेमोरियल, मेरा वचन अनंत काल का मेमोरियल है। प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा के वचन के लिए।
द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड स्टिल रिमेन्स जस्ट द सेम. खुदा का वचन कल आज युगांजो एक सा है यीशु मसीह, और यीशु मसीह वचन है. वचन हमेशा वैसा ही रहता है, वचन कभी नहीं बदलता. आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन नहीं बदलेगा. एंड जस्ट एज वैल्यूएबल दैट्स अ मेमोरियल, और ये मेमोरियल है कि वचन नहीं बदलता. सो आई से टुडे ब्रदर, द थिंग दैट यू डू, द वर्ड्स दैट यू से, हाउ यू ट्रीट यूर नेबर एंड वॉट यू डू अबाउट क्राइस्ट विल बी एन एवर लास्टिंग मेमोरियल. भाई बहन हम कह रहे हैं, कैसे आप एक भाई बहन को ट्रीट करते हो, कैसे आप वचन को ट्रीट करते हो, ये एवर लास्टिंग मेमोरियल हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए ये मेमोरियल हो जाएगा. इसलिए हमने पढ़ा, पत्रस कह रहे हैं लव वन अनदर, हर एक के साथ प्रेम करो, किसी के साथ बैर भाव नहीं करना, ये एवर लास्टिंग मेमोरियल बन जाएगा. यू माइट हैव ए फाइन हाउस टू लीव टू योर चिल्ड्रन, आपके पास अच्छा घर हो सकता है जो आप अपने बच्चों के लिए छोड़ें. यू माइट बी वर्किंग फॉर सम लाइवलीहुड टू लीव टू योर चिल्ड्रन, आप कमा रहे हैं अच्छा, दिन और रात मेहनत कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए काफ़ी पैसा आप रख छोड़ें. बट आई हैड रादर लीव देम द वर्ड ऑफ गॉड देन एनीथिंग एल्स. भाई बहन हम कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए खुदा का वचन रखूंगा, इसके बदले कि मैं संसार की धन रखूं, दौलत रखूं, उसके बदले मैं अपने बच्चों के लिए खुदा का वचन रखूंगा. और इसलिए भाई बहन हमने जिंदगी भर आखिरी समय तक वो वचन का प्रचार करते रहे. आज हमारे पास्टर, उन्होंने अपनी डॉक्टरशिप छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, आज वचन को लेकर चल रहे हैं, आज वचन को लेकर के चल रहे हैं. संसार से धन दौलत कमाना भाई ने छोड़ दिया, भाई ने कहा मैं लॉक स्टॉक एंड बैरल प्रभु के साथ साथ वचन को लेकर के चलूंगा. भाई बहनम भी वही कर रहे थे, भाई बहनम भी वही कर रहे थे. मैं अपने बच्चों को धन दौलत नहीं दूंगा, मैं क्या दूंगा उन्हें, मेन चीज है अपने बच्चों को वचन दीजिए. धन दौलत तो सब आए, आज है कल है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये वचन कभी नहीं टलेगा. ये वचन इटर्निटी से इटर्निटी तक रहता है, ये इटर्नल है. खुदा का वचन मेन चीज जो विरासत में अपने बच्चों को दे, विरासत में अपनी फैमिली को दे. दोज हाउसेस विल वैनिश, जो आपने घर बनाया अपने घर बच्चों के लिए, वैनिश हो जाएगा एक दिन. बाढ़ आएगी और भूडोल होगा और वैनिश हो जाएगा. बट दैट्स परफेक्ट, ऑल राइट, दैट्स गुड. आई एम नथिंग अगेंस्ट इट, आप देते हैं उसका अगेंस्ट कुछ मैं नहीं हूँ. बट डोंट डू दोज माइनर थिंग एंड लीव द ग्रेट थिंग अनडन. ये माइनर चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है बच्चों को, अपनी फैमिली को वचन देना, उसे ना छोड़ें, वचन दें. द हाउस विल पैरिश एंड द पीपल विल पैरिश विद इट, बट द वर्ड ऑफ गॉड विल रेज देम अप इन द लास्ट डे. घर उठा जाएंगे, लोग चले जाएंगे, लेकिन ये वचन है जो तुम्हें आखिरी दिन जिला उठाएगा. इसलिए वचन में लिखा है, जो आत्मा मसीह को जिसने मुर्दों में से जिलाया, ये तुम में वास करता है, मेरा वचन जीवन है और वही आत्मा है. यदि ये तुम में वास करता है तो तुम्हारे मरणहार देहों को क्यों ना जिलाएगा. ये वचन जिलाएगा मेरे भाइयों बहनों. धन दौलत पृथ्वी की कोई नहीं बचाएगी. अच्छे अच्छे घर, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, पैसा, धन दौलत हमारे बच्चों को नहीं बचा सकते. लेकिन बचाने सिर्फ कौन बचा सकता है, वो वचन है. केवल ये बचा सकता है मेरे भाइयों बहनों. इसे दीजिए, भाई बहन हम कह रहे हैं, इसे दीजिए, इसको प्रायोरिटी दीजिए. बट द वर्ड ऑफ गॉड विल रेज देम अप इन द लास्ट डे एंड गिव देम इटर्नल एंड इमॉर्टल लाइफ अगेन. अनंत काल का जीवन इससे मिलता है, अनंत काल का जीवन इसमें है, अनंत काल की लाइफ इसके अंदर जीव मिलती है. ये है देने के लिए, ये है गिफ्ट देने के लिए, ये है वसीयत में, विल में ये देने के लिए, ये है मेरे भाइयों बहनों, ना कि घर, मोटर कार, धन दौलत वगैरह वगैरह. ओ खुदा का धन्यवाद करते हैं भाई बहन हम कह रहे हैं. मैं एक पुराना गाना याद करता हूँ, टाइम इज फिल्ड विद स्विफ्ट ट्रांसलेशन, समय भरा हुआ, ट्रांसलेशन चेंज बनने बदलाहट में, नॉट ऑफ अर्थ अनमूव शेल स्टैंड, पृथ्वी खड़ी नहीं रह सकती. बिल्ड योर होप्स ऑन थिंग्स इटर्नल, अपने होप को, अपनी आशा को, जो चीज़ें इटर्नल है, जो चीज़ें अनंत काल तक रहने वाली है, उसके ऊपर आप बना के रखिए. होल्ड टू गॉड अनचेंजिंग है, खुदा के ना बदलने वाले हाथ को पकड़ करके रखिए.
खुदा के ना बदलने वाले वचन को पकड़ के। संसार की चीजें आज है कल नहीं रहेंगी, लेकिन खुदा का वचन हमेशा हमेशा के लिए अटल रहेगा। इसको पकड़ करके रखिए। When your journey is completed, if to God we have been true, यह तुम्हारा जीवन काल खत्म हो जाएगा यदि आप खुदा के प्रति सच्चे रहे। Fair and bright, our home in glory, our end of your soul shall view, वो महिमा युक्त जीवन हमारा आत्मा प्राप्त करेगा, वो महिमा में हमारा आत्मा जाएगा यदि हम खुदा के प्रति सच्चे रहे, यदि हमने वचन के प्रति हम वफादार रहे। How much better it is to look out in the face of the setting sun. आज जब सूर्य डूब रहा है, आज जब संसार में अंधकार छाया हुआ है, या आज आप जब इस पृथ्वी से जाने वाले हो, आप सेटिंग सन में आप वो बात कर रहे हैं, यदि कोई इंसान इस पृथ्वी से जाने वाला है। When your veins are cooling in your body, जब आपके रक्त जो दौड़ रहा था वो ठंडा पड़ रहा है, गर्माहट खत्म हो रही है। When your children standing around the bed, और जब आपके बच्चे आपके पलंग के चारों ओर खड़े हुए हैं। टू नो दैट यू हैव गॉट ए मेमोरियल बिल्ड एट, जानने के लिए कि आपने क्या मेमोरियल बनाया है। हनी समडे डैडी, तो आप उनसे ये कहिए, बच्चों हनी समडे डैडी विल मीट यू ऑन द अदर साइड। पापा आपसे क्या मेमोरियल बनाया है बच्चों के प्रति, ये मेमोरियल बनाया है, उन्हें वचन में लाया है, उन्हें वचन में बड़ा किया है। और तब धड़ाके के साथ पापा कहते हैं, हनी बेटे आई विल मीट यू ऑन द अदर साइड, मतलब आप लोग भी वहाँ जाओगे, मैं भी वहाँ जाऊँगा। आई विल मीट यू, डैडी विल मीट यू ऑन द अदर साइड। आई रादर हैव दैट, कि मैं ऐसा मेमोरियल बच्चों के लिए बनाऊँ कि मैं बच्चों के साथ उस नए स्थान में, नए आसमान में, वहाँ पर बच्चों के साथ मुलाकात करने पाऊँ। एंड व्हेन द डॉक्टर सेड बिली देयर नथिंग मोर कैन बी डन फॉर यू, अब जब डॉक्टर कहे आपके लिए अब कुछ नहीं हो सकता, आपको मैं 24 घंटे देता हूँ। एंड आई सी माई किडीज, आई किस देम गुड बाय, आई से बट डैडी इज नॉट डाइंग। ऐसे भाई ब्रैनम का देखिए विश्वास, भाई ब्रैनम ने कैसे वचन के ऊपर खड़े उतरे हैं, भाई ब्रैनम ने कैसे वचन को प्राथमिकता दी है। वो कह रहे हैं डैडी इज नॉट डाइंग, ही इज गोइंग टू रेस्ट टू ए प्लेस, बच्चों आपका पापा नहीं मर रहा है। बच्चों को फैमिली को इस लेवल तक वचन में सिखाना है, इस लेवल तक बच्चों को आगे बढ़ाना है कि वो समझ सके डैडी इज नॉट डाइंग। क्योंकि वचन बताता है हमारा इस पृथ्वी सरी का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, हमारे लिए एक वेट कर रहा है जो हाथों के द्वारा नहीं बनाया गया है। वो हमारी स्वप्न बॉडी वेट कर रही है, जब ये पृथ्वी सरी का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, हमारे लिए एक चिरस्थाई भवन है जो खुदा ने हमें बनाया है। एंड योर डैडी इज गोइंग देयर, ये है धन्य आशा, ये है मिराश जो बच्चों को देने के लिए, यह है मिराज जो फैमिली को देने के लिए हैं। और अब ऐसा ही कुछ भाई बॉसवर्थ के साथ हुआ था, हम सब जानते हैं भाई एफ ए बॉसवर्थ, जब वो आखिरी समय चल रहा था, भाई ब्रैनम दौड़ते हुए भागाते हुए गाड़ी उनके पास गए और भाई बॉसवर्थ देखा वो मिल रहे हैं लोगों से, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। भाई बॉसवर्थ उस अयाम में चले गए थे, और जब भाई मैंने पूछा क्या हुआ, आई एम नॉट डाइंग बॉस, मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना स्थान चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ चला जाऊँगा। और एक हवा आई और भाई बॉसवर्ड चले गए। व्हाट ए ब्लेस्ड लाइफ, ऐसी लाइफ होनी है, ऐसा धन्य आशा हमारे पास होनी है कि हम यहाँ से सिर्फ कूच कर रहे हैं, अपने प्रभु से मिलने जा रहे हैं। और ये वचन ही कर सकता है, वचन ही कर सकता है। एंड दिस इज भाई ब्रॉसवर्ट ने ये कहा, ये मेरा सबसे हैप्पीएस्ट टाइम है, इससे अच्छा खुशी का समय मेरे पास था ही नहीं। आज मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय है जब मैं अपने उद्धारकर्ता के पास जा रहा हूँ, जिसकी मैंने जिंदगी भर मैंने प्रचार किया, जिसके लिए मैं भागा भागा फिरा, जिसके लिए मैंने जिंदगी भर कशमकश करी। आज मेरे जीवन में वो ब्लेस्ड दिन आया है जब मैं आज अपने मेकर से मिलने जा रहा हूँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और
भाई बहन हम कहते हैं इसमें मैसेज के अंदर, गॉड इज बिल्डिंग अ चर्च एज ए मेमोरियल. खुदा चर्च को एक मेमोरियल के रूप में बना रहा है, एक यादगार के रूप में खुदा इस चर्च को बना रहा है. खुदा अपने लिए एक ब्राइड तैयार कर रहा है, एक चर्च तैयार कर रहा है मेमोरियल के रूप में, मेमोरियल ऑफ हिज सैक्रिफाइस, जिस सैक्रिफाइस के द्वारा उसने मुझे और आपको चुना, जिस सैक्रिफाइस के उन्होंने अपना लहू बहाया, और वो अपने लिए एक मेमोरियल तैयार कर रहे हैं, एक चर्च को तैयार कर रहे हैं. गॉड क्राइस्ट नेवर कम टू अर्थ टू डाई इन वेन. वो व्यर्थ में अपनी जान देने के लिए नहीं आए. यीशु मसीह ने अपनी जान व्यर्थ में नहीं दी. उन्होंने एक मेमोरियल बनाना चाहा, एक चर्च को बनाना चाहा, अपने लिए एक ब्राइड को तैयार करना चाहा. हिज डेथ विल नॉट बी इन वेन. गॉड इज एबल टू स्टोन टू रेज चिल्ड्रन एंड टू एब्राहम इफ पीपल वॉन्ट लिव इट. यदि भाई बहन हम कह रहे हैं यदि लोग मसीहत का जीवन ना जिए, मैसेज का जीवन ना दिए, वचन के अनुसार ना जिए, तो खुदा सक्षम है इन पत्थरों के लिए, अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करने के लिए. यदि हम यहाँ ना आएंगे तो ये 5 पिलर मैसेज सुनेंगे. मैंने यही कहा हम नहीं आएंगे तो ये 5 पिलर मैसेज को सुनेंगे. लेकिन खुदा ने हमें वचन सुनने के लिए रखा है. खुदा ने व्यर्थ अपना सेक्रीफाइस नहीं दिया. मेरे भाइयों बहनों, खुदा ये रियलाइजेशन होना चाहिए, खुदा ने व्यर्थ मेरे और आपके लिए अपनी जान नहीं दी. वो चाहते हैं एक कलीसिया, एक बिना दाग और एक बिना झुर्री की ब्राइड को वो लेने के लिए आने वाले हैं. लेकिन ये भी बात है, यदि ब्राइड रेडी नहीं होगी तो पत्थरों से अपने लिए एक दुल्हन को तैयार करने में सक्षम है. सच्चा मैं हमारा प्रभु कुछ भी नहीं कर, लेकिन कितनी ब्लेसेड चीज है, खुदा ने मुझे और आपको चुना है. जब खुदा ने हमें चुना है तो हम क्यों बैकस्लाइड हों, क्यों ना समय का फायदा उठाए, क्यों ना आशीषों के भागीदार हों, क्यों ना उसकी दुल्हन में हम शामिल हों. जब खुदा ने हमारे को चुन के चुना है, पीपल वोंट लिव इट, दे वोंट टेक इट. गॉड हैज गिव देम, गॉड इज एबल टू स्टोन टू रेज चिल्ड्रन टू अब्राहम. ये फिर से कह रहे हैं ट्रूली ही विल डू इट. वो सच में कर लेंगे. हम ढीला ढाला एटीट्यूड खुदा ग्रहण नहीं करते. एक बार क्षमा करेंगे, दो बार क्षमा करेंगे, ढीला ढाला एटीट्यूड नहीं करेंगे. जब मीटिंग है तो मीटिंग है, मीटिंग है तो आना है, मीटिंग है तो इकट्ठे होना है, क्योंकि खुदा ने अपना बेशकीमती लहू व्यर्थ में नहीं बहाया. मेरे भाइयों बहनों, अपना दाम दे करके, लहू दे करके उसने मुझे और आपको खरीदा है. क्या हम उसके लहू को यहाँ पर ठुकराएं? यदि हम ठुकराएंगे तो अपने लिए वो पत्थरों से संतान को उत्पन्न कर सकता है, वो अपने लिए पत्थरों से ब्राइड को उत्पन्न कर सकता है. लेकिन हम प्रिविलेज्ड हैं, प्रभु ने हमें चुना है, हमें उसने यहाँ पर रखा है, उस खुदा ने हमें अपनी ब्राइड के रूप में यहाँ पर रखा है. तो अवश्य है कि हम उसकी कलीसिया में शामिल हो. ट्रूली ही विल डू इट. एंड व्हेन आई थिंक ऑफ दैट एंड थिंक ऑफ द ग्रेट प्राइस दैट ही हैज पेड, जब मैं इन बातों को सोचता हूँ, खुदा एक कलीसिया बनाना चाहता है, खुदा एक ब्राइड को बनाना चाहता है. उन्होंने अपना लहू व्यर्थ नहीं बहाया. लेकिन यदि हम उसे ठुकराएंगे, यदि हम उसको नज़रअंदाज कर देंगे, हम अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, हम अपने और दूसरी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो प्रभु कहेगा बाय 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 बाय, सल्यूट करेगा. प्रभु कहेगा बाय बाय गाय जाओ, मैं अपने लिए दूसरी किसी ना किसी तरीके से एक दुल्हन तैयार कर लूँगा. एंड योर सेल्वेशन कम डियर टू गॉड, इट कॉस्ट हिज ओनली बिगॉटन सन टू गिव इटर्नल लाइफ टू एवरी मैन एंड मेक हिम हैप्पी टुनाइट. उन्होंने अपना बेशकीमती लहू बहाया, खुदा ने अपना बेटा दे दिया, जिन्होंने अपना बेशकीमती लहू मेरे और आपके लिए बहाया. और ये है हेरिटेज, ये है क्या बोलते हैं मेमोरियल, जिसे हमें छोड़ना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए. नाउ ग्रेट प्राइस इज पेड, टाइम टेस्टिंग मस्ट कम होम, इट्स टाइम टेस्टेड मेमोरियल. खुदा ने महान प्राइस हमारे लिए दी है, हम खुदा को क्या देते हैं? ये टेस्टिंग टाइम है. उन्होंने तो दे दिया, हम क्या दे सकते हैं? क्या हम अपने 2 घंटे नहीं दे सकते प्रभु को? क्या अपने 4 घंटे प्रभु को नहीं दे सकते? जब उन्होंने तो अपना सब कुछ दे दिया, उन्होंने ताज स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ दिया, अपना बेशकीमती लहू बहा दिया, और हम ऐसे निकम्मे कि प्रभु को कुछ ना दे पाए. प्रभु हमसे
अपेक्षा पैसे की, धन दौलत की नहीं करता, प्रभु हमें करता है लॉक स्टॉक एंड बैरल, पूरी रीति से उसके हो जाए, हम अपने आप को उसके लिए पूरी रीति से सरेंडर कर दें, प्रभु ये चाहता है, क्योंकि प्रभु का वचन सच्चा है, प्रभु का वचन पक्का है, और वेल एवरी टाइम यू साइन अ लेटर, भाई बहन हम कह रहे हैं आज हर एक को मानना पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए, प्रभु यीशु मसीह इतने इतने साल पहले आए, क्योंकि आज की तारीख जब हम साइन करते हैं ना, तो आज की तारीख हम साइन करेंगे तो कहेंगे 26 मई 2024, ये कहाँ से शुरू होती है, प्रभु की आमद से, सारा संसार ये एक्सेप्ट करता है कि एक आया इस पृथ्वी के ऊपर जिन्होंने अपना लहू बहाया, और ये गवाही देता है कि खुदा ने अपने बेटे को इस पृथ्वी के ऊपर भेजा जिन्होंने अपना लहू बहा दिया। और भाई बहन हम कह रहे हैं यहाँ पर एक चीज़ बता रहे हैं, नॉट लॉन्ग अगो अभी ऑस्ट्रेलिया में, इसको मैं करके हम ख़त्म करेंगे कुछ जब उस तक, जब तक टाइम भी हो जाएगा, एक मेमोरियल बनाने के हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, ये मैंने भी देखा है ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में, वहाँ पर एक ब्रिज है जो नॉर्थ सिडनी और साउथ सिडनी को जोड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा भारी ब्रिज है जो नॉर्थ सिडनी को साउथ सिडनी को जोड़ता है, बहुत ऊंचा ब्रिज है, उस ब्रिज के नीचे से शिप भी चली जाती है, इतना ऊंचा ब्रिज है वो, उसके नीचे से शिप भी चली जाती है, हम भी उसके नीचे से गए हैं इस मेमोरियल के नीचे से जिसका जिक्र भाई ब्रैनम कर रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट चाहती थी ये ब्रिज बनाया जाए लेकिन कोई राजी नहीं होता था बनाने, क्यों नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ सिडनी में साउथ सिडनी में फाउंडेशन नहीं थी, सारी बालू थी और बालू के ऊपर ब्रिज नहीं बन सकता, बालू को देख करके लोग डर जाते थे वहाँ, क्योंकि ब्रिज बन नहीं सकता, कैसे होगा, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आए, अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर आए उन्होंने, लेकिन सब ने रिफ्यूज कर दिया, लेकिन एक आया, एक दिन एक आर्किटेक्ट आया, उसने कहा मैं आऊँगा, मैं इस ब्रिज को मैं बनाऊँगा, एक वन यंग आर्किटेक्ट फ्रॉम इंग्लैंड कम टाउन, फेमस मैन, रेपुटेबल मैन, हैड ए गुड रेपुटेशन, उसका अच्छा रेपुटेशन था, इंग्लैंड से एक आदमी आया, ओ आई लाइक दैट, आई लाइक अ मैन विथ रेपुटेशन, ओ यू डोंट हैव टू बी अ बिग मैन, आपको बड़ा आदमी नहीं होना चाहिए, यू कैन बी ए पॉपर, आप गरीब हो सकते हो, दैट लिव्स इन एलए, जो गलियों में रहता है, एंड हैव ए रेपुटेशन फार बेटर देन ए पोटेंटेट, जिसके पास घर वगैरह है उनसे ज़्यादा रेपुटेशन है, यू डोंट हैव टू बी रिच, लेकिन रेपुटेशन होना चाहिए, जस्ट हैव ए रेपुटेशन, इट डिक्लेयर योर रेपुटेशन, वॉट यू आर मेक यू वॉट यू आर गिव योर रेपुटेशन। तो ये आया, एक आदमी आया जिसका बहुत अच्छा रेपुटेशन था, उसने पहले कई ब्रिजेस बनाए थे, और इसने कहा कि मैं जॉब को करने से डरता नहीं हूँ, मैं इस ब्रिज को बनाऊँगा, आई रियलाइज आई हैव ए वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। ओ ये आदमी आया क्योंकि ये रेपुटेशन वाला था, ये इसका नाम बहुत था और इसे ये जानता था कि मेरा रेपुटेशन है और मैं इस ब्रिज को बना पाऊँगा, ये आया, इसने कहा मैं बनाऊँगा, भाई बहनम कह रहे हैं ओ ब्लेस्ड बी द लॉर्ड, देयर इज अ रीज़न दैट देयर इज अ हेवन टू गो टू, एक रीज़न है कि आसमान में जाने के लिए, देयर इज अ रीज़न वी कैन हैव ए रेपुटेशन एज ए क्रिश्चियन, और एक रीज़न है आसमान में जाने के लिए कि हमारे पास एक रेपुटेशन कि हम ईसाई हैं, वी नो व्हाट मटीरियल इज इन दिस बिल्डिंग, हम जानते हैं इस बिल्डिंग में क्या मटीरियल लगा हुआ है, हम वो मटीरियल है, हमारे पास वो रेपुटेशन है, हम वो जानते हैं कि हम आसमान में जा सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं इस बिल्डिंग के अंदर क्या मटीरियल लगाया गया है, भाई बहन हम बता रहे हैं दैट्स राइट इज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, आज ये बिल्डिंग हड्डी और मांस की नहीं बनी है, हम जानते हैं ये बिल्डिंग मसीह यीशु के लहू के द्वारा बनी गई है, हमारे पास इसका रेपुटेशन है, हम जानते हैं ये बिल्डिंग मांस और हड्डी की नहीं है जैसा हम को देख रहे हैं, इसके अंदर यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू बह रहा है,
के अंदर, और इसलिए हम जानते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का लहू इसके अंदर बह रहा है. इज ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट इज इन दिस बिल्डिंग. दैट्स राइट, हिज स्टेन ब्लड हैज वॉश्ड अवे ऑल माय सिन. उनके लहू ने मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया, सारे गुनाहों को धो दिया, और आप मुझे पक्का विश्वास है मैं हेवन में जाऊंगा, क्योंकि उनका लहू मेरे अंदर जा रहा है. जैसे ये आर्किटेक्ट जानता है, इसका रेपुटेशन है कि इसने पहले कई अच्छे अच्छे ब्रिज बनाए हैं और इसका काम फेल नहीं हो सकता, वैसे हम जानते हैं यीशु मसीह का लहू कभी फेल नहीं हो सकता. एक बार आपके गुनाह माफ हो गए उसके लहू के द्वारा, अब हम कभी भी नाश नहीं हो सकते. उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए हमें सिद्ध कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए चुन लिया, और अब हमें मटीरियल है जो हेवन में जाने के, हम मटीरियल बन गए हैं. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं. ही टुक मी फ्रॉम द एलीज ऑफ हेल, हेल के रास्तों से उसने हमें चुन लिया, एंड मेड मी हिज सर्वेंट, और खुदा ने हमें अपना सर्वेंट बनाया, दास बनाया. देन आई बिलीव इन हिम, और मैंने उसके ऊपर विश्वास किया. सो आई हैव पास फ्रॉम डेथ टू लाइफ, और मैं मृत्यु से निकल करके जीवन में पास हो गया हूँ. एंड एवरी बिलीवर हैज डाइड दैट, हैज डिड दैट, एंड हर एक विश्वासी ने यही किया है. तो जब वो विश्वास करता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हमारे सारे पाप मिट चुके हैं, हम मृत्यु से पार हो करके अनंत जीवन में पार हो चुके हैं. हर एक विश्वासी इस बात को विश्वास करता है, और तब हमें कॉन्फिडेंस होता है, तब हमें हियाव होता है, एंड दे बिलीव इन द ग्रेट बिल्डर. और तब वो उस महान बिल्डर के लिए, ग्रेट आर्किटेक्ट के लिए जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं. वो हमारा ग्रेट बिल्डर है. संसार के बिल्डर तो ब्रिज और ये सब बना के रह जाते हैं, लेकिन हमारे बिल्डर ने एक हड्डी और मांस का शरीर बनाया है, एक देह को बनाया है, अपने लिए एक दुल्हन को बनाया है, अपने लिए एक चर्च को तैयार किया है, जिसे वो लेने के लिए आने वाला है. प्रभु का धन्यवाद करते हैं. और यहाँ पर इस आदमी ने क्या किया, ढेर सारे बड़े बड़े पंप लाया. उन्होंने पंप, जहाँ पे जो सैंड थी, सारी सैंड को पंप के द्वारा उसने ब्लो आउट किया. हाँ, और ब्लो आउट करता रहा, करता रहा, करता रहा, जब तक कि चट्टान नहीं मिल गई. जहाँ चट्टान मिली उसने अपना बोल्ट वहाँ पे रख दिया. बुद्धिमान पुरुष ने अपना घर चट्टान पे बनाया. हर कोई डर गए, हर कोई डरता था कि हम कैसे बनाएंगे, लेकिन ये बुद्धिमान बिल्डर था. इसने चट्टान को खोदा, और जब वहाँ पर चट्टान गहरा खोदने के बाद, हाँ, सारी बालू को हटाने के बाद चट्टान मिली, फिर उसने अपना वहाँ पर ब्रिज बनाया, वहाँ पर उसने अपना ब्रिज किया. आज वो ब्रिज बहुत बड़ा है, हमने देखा है. हमारा जहाज उसके नीचे से गया, भारी, बहुत बड़ा, भारी वो ब्रिज बना हुआ, बहुत ऊंचा बना हुआ, 53-54 फुट ऊंचा वो मीटर हाइट है उसकी. हाँ, गया हुआ वो, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद. उसके नीचे से शिप्स निकल करके चले जाते. पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा ही ब्रिज, एक ही ये ब्रिज है जिसके नीचे से शिप निकल के चले जाते, और आगे दुनिया में कोई है ही नहीं. ये का इसने वो उसको बनाया. और वो उसने बहुत मेहनत करी, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट को लिया, अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट को लिया, सारी टेस्टिंग करी. हाँ, और देखा कि ये सेफ होगा कि नहीं होगा, मजबूत होगा कि नहीं होगा. He went to that much trouble to be sure that the bridge would be safe. How much trouble you think God went to be sure this church would be safe? एक आदमी इतना ट्रबल करता है, देखता है कि जो मैं बनाने वाला हूँ ब्रिज सेफ होगा, कहीं टूट ना जाए. तो हमारे प्रभु ने कितना ट्रायल किया होगा, कितना एक्सटेंट में गया होगा, कितना देखा होगा, भाला होगा कि जो चर्च मैं बनाने वाला हूँ ये चर्च नहीं गिरेगा. पीले पेंटेकोस्ट के दिन जो ब्राइड गिरी, ब्राइड बनी, वो तो नीचे काउंसिल में गिर गई, लेकिन खुदा ने अब जो ब्राइड बनाई है, अब जो उन्होंने मास्टर बिल्डर ने जो ब्राइड को बनाई है, उन्होंने इंश्योर किया है, सब तरफ से इंश्योर किया है, दिस ब्राइड विल नॉट फॉल, कि ये ब्राइड नहीं गिरेगी. पहले आदम हव्वा जो पहली ब्राइड थी वो तो गिर गई, तो दूसरी ब्राइड थी जो बनी वो भी नीचे काउंसिल में गिर गई, लेकिन ये दुल्हन नहीं गिरेगी. हमारे खुदा ने प्रॉफिट को भेजा,
हमारे युग में प्रॉफिट के द्वारा उन्होंने ये देखा ये देखा, ये मैसेज लाया ये मैसेज लाया ये मैसेज लाया। आज भी सेवकाई चल रही है, सब तरफ से खुदा देख रहा है, यहाँ पे खींचता है, वहाँ से तानता है, यहाँ से खींचता है, यहाँ से रगड़ता है, यहाँ से पीटता है, यहाँ से वचन को लेकर के आता है। सब तरह से ये मास्टर बिल्डर इंश्योर कर रहा है कि ये ब्राइड नहीं गिरेगी, ये चर्च नहीं गिरेगा, चाहे कितने भी तूफान आए, चाहे कितने भी परेशानियाँ आए, लेकिन ये चर्च नहीं गिरेगा। जैसे वो आर्किटेक्ट ने जब ब्रिज बनाया, सब तरफ से कोशिश करके देख लिया, अब ये ब्रिज नहीं गिरेगा, उसी रीति से कितना ज़्यादा हमारे प्रभु ने सब तरफ से देख लिया होगा, हाउ मच ट्रबल हमारे खुदा ने लिया होगा टू मेक इट श्योर द चर्च वुड बी सेव। शैतान कितने भी हथौड़े चलाए, शैतान कितने भी आंधियां चलाए, खुदा ने ये इंश्योर कर लिया है कि ये चर्च नहीं गिरेगा, खुदा ने ये इंश्योर कर लिया है कि ये चर्च नहीं डिगेगा, चाहे कितने भी ब्यारे आए, कितने भी हलचले आए, कितने भी तूफान आए, कितना भी कुछ हो, खुदा ने इंश्योर कर लिया है हर तरफ से ये चर्च नहीं गिरेगा। यस सर बोल रहे हैं भाई बहन, इसका मतलब जी हाँ श्रीमान, खुदा ने इंश्योर कर लिया है कि मैं और आप नहीं गिरेंगे, मैं और आप नहीं बहकाए जाएंगे, मैं और आपको शैतान नहीं डिगा सकेगा, मैं और आप नहीं गिरेंगे। अब लेकिन हम मैं और आप रैप्चर में जाएंगे, जो खुदा ने इंश्योर कर लिया है। दैट्स अ मेमोरियल टू द डेथ ऑफ क्राइस्ट, ये मेमोरियल है, उन्होंने अपनी जान तक मेरे और आपके लिए दे दी, अपना लहू तक मेरे और आपके लिए बहा दिया। दैट्स हिज चर्च, ये उसकी कलीसिया है, हम खून खरीदे लोग हैं, प्रभु ने अपना खून दे करके हमें खरीदा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ओ खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ब्लेसड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड फॉर द टेम्पटेशन, आई एम वीक देन आई एम स्ट्रॉन्ग। टेम्पटेशन तो आते हैं, लेकिन जब मैं वीक होता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग होता हूँ। हमारा प्रभु हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और खुदा इसी रीति से टेम्पटेशन लाते हैं, ट्रायल करते हैं, जैसे गोल्ड को मारते हैं, मार मार के पीटते हैं जब तक अपना चेहरा ना दिख जाए, उसी रीति से खुदा ट्रायल लाते हैं, टेम्पटेशन लाते हैं, टू मेक श्योर कि हमारा चर्च खड़ा रहेगा, हमारा चर्च गिरेगा नहीं, चाहे कितने भी ब्यारे आए, कितने भी रॉन्ग डॉक्ट्रिन आए, चाहे कोई भी कुछ भी कह दे, लेकिन चर्च खड़ा रहेगा। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक दिन आया जब वो ब्रिज बन करके तैयार हो गया, और वहाँ पर अभी इसने बोला, लोग तो ठट्टा उड़ा रहे थे, लोग कैमरामैन वगैरह सब आ गए, अरे जब इसके ऊपर से कोई गाड़ी जाएगी तो ब्रिज टूट जाएगा, गिर जाएगा। वहाँ के मेयर ने कहा, मेरा तुम्हारे ऊपर विश्वास है, मैं अपनी गाड़ी दूंगा। इसने कहा, मैं अपनी गाड़ी सबसे पहले आगे रखूँगा। वहाँ लोकोमोटिव वालों ने कहा, हम 5 लोकोमोटिव भेज देते हैं। और वहाँ पर ये इसकी गाड़ी गई ब्रिज के ऊपर, वो लोकोमोटिव गए ब्रिज के ऊपर, और ब्रिज नहीं गिरा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आज ये चर्च नहीं गिरेगा, चाहे कितने भी तूफान आए, किस भी आए, माय एंकर होल्ड्स विद इन द वेल, मेरा एंकर होल्ड करता है, इन एवरी हाई एंड स्टॉमी गेल, चाहे कितने भी तूफान आए, एंकर होल्ड करता है, खुदा का वचन हमें पकड़ करके रखता है, चाहे कितने भी तूफान आए, इन एवरी हाई एंड स्टॉमी गेल माय एंकर होल्ड्स विद इन द वेल, चाहे कितने भी तूफान आए, वचन हमें थाम के रखता है, ये वचन हमारा एंकर है, चाहे कितने भी तूफान आए, कितने भी मुसीबतें आए, लेकिन मास्टर बिल्डर ने जब वो ब्रिज को बना दिया वो नहीं टूटा, लोग देखते रह गए, और ऐसे ही इस कलीसिया को, चर्च को लोग देखते रह जाएंगे, कैसे वो मास्टर बिल्डर ने अपने लिए एक दुल्हन को तैयार करा है। हमारा खुदा हमें स्वर्ग में उठा करके रखे, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और इफ यू थिंक यू कैन गेट बाय गोइंग टू चर्च एंड सेइंग आमेन वंस इन अ वाइल, और आप सोचते हैं कि हम चर्च जाएंगे और एक आध बार आमेन कह देंगे एंड शाउटिंग अ लिटिल बिट, और थोड़ा बहुत चिल्ला देंगे, पुट योर नेम ऑन द बुक, और अपना नाम चर्च के रजिस्टर में लिखा देंगे, थोड़ा बहुत आमेन कह देंगे, थोड़ा बहुत हालेलुया कह देंगे, एंड गो बैक एंड लिव लाइक डेविल, लेकिन जहाँ दरवाजे से निकले संसार के समान रहने लगे। चर्च में तो हालेलुया बोल दिया,
चर्च में तो आमीन कह दिया, चर्च के रिकॉर्ड में राजू भाई को बोल के अपना नाम लिखा दिया, फैमिली नंबर ले लिया, लेकिन जब दरवाजे से बाहर निकले संसारिकता में बह गए। योर ओन वर्क्स विल प्रूव व्हाट यू आर, आपके काम बता देंगे कि आप क्या हो, योर कैरेक्टर प्रूव्ड इट आउट। एंड जीसस क्राइस्ट केम फ्रॉम हेवन, द ग्लोरी फ्रॉम ग्लोरी, डाउन हियर टू बिल्ड अ चर्च। और प्रभु यीशु मसीह खास इसलिए आए थे इस संसार में, इसलिए उन्होंने जन्म लिया, अपना एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, अपना एक चर्च बनाने के लिए, अपनी एक कलीसिया बनाने के लिए, अपनी एक दुल्हन को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। एंड द मटीरियल दैट ही इज पुटिंग इन इट इज टाइम टेस्टेड मटीरियल, और जो मटीरियल लगा रहे हैं ना टाइम टेस्टेड मटीरियल है, अर्थात जो वचन खुदा लेकर के आ रहे हैं, एक से एक भेदों को खोल रहे हैं, अपने दास को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे टाइम टेस्टेड मटीरियल है। जब एक मिस्ट्री खुल रही है, ये टाइम टेस्टेड मिस्ट्री है, ये खुदा के द्वारा ये टेस्ट करी हुई मिस्ट्री है, है? और प्रभु लेकर के आ रहे हैं, बड़े बड़े भेदों को हमारे ऊपर खोल रहे हैं, है? और हम जानते हैं कि व्यर्थ की चीज़ों में हम अपना जीवन नहीं बिताएं, और बट वैन ही फाइंड ब्लो, और लेकिन जब खुदा देखता है, मैंने तो अच्छा अच्छा मटेरियल लगा लिया, मैंने तो इस घर को अच्छा बनाया, मैंने तो चर्च को अच्छा बनाया, लेकिन जब वो देखता है अरे इसमें तो कोई होल आ गया, मै गॉड सीन यू, बेकार की चीज़ आ गई आपके अंदर, यू कैन नॉट स्टैंड। यदि संसारिकता आपके अंदर घुसेगी, बेकार की चीज़ें आपके जीवन में घुसेगी, उन्होंने तो अच्छा मटेरियल लगाया, उन्होंने तो अच्छे अच्छे मैसेजेस लेकर के आए, उन्होंने तो अपने दास को उभारा, और जिन्होंने रेवलेशन में होते हुए वचन को खोला, लेकिन आपने सबको ज़ीरो कर दिया, आपने अपना जीवन दुनिया में लगा दिया, ये सारी की सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, बेकार जाएंगी, हैं? और खुदा ये सारी चीज़ों को पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं टाइम टेस्टेड मेमोरियल, टाइम टेस्टेड चर्च, जो कि समय पे खड़ा रहे, वचन पे अटल खड़ा रहे। खुदा ऐसे चर्च को पसंद करते हैं जो वचन पे खड़ा रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपन, चाहे कोई बीमारी आ जाए, चाहे कोई मुसीबत आ जाए, लेकिन खुदा ऐसे चर्च को पसंद करते हैं जो वचन के ऊपर खड़ा है, वचन को पकड़ करके खड़ा रहे। बट ही इज गॉट ए चर्च दैट टेस्टेड, और खुदा ने आज इस कलीसिया को बनाया है जो टेस्टेड है, वेंट थ्रू द ट्रायल, और जो ट्रायल में से होकर के गुजरी है, थ्रू सिकनेस, थ्रू सोरो, थ्रू डेथ, एंड स्टिल स्टैंड विद द टेस्टिमनी, मृत्यु में से गुजरी है, सोरो में से गुजरी है, लेकिन फिर भी एक गवाही के साथ खड़ी है। ऐसी कलीसिया खुदा ने अपने लिए बनाया है। दैट्स द मैन, यस दैट्स द मैन ही इज लुकिंग फॉर। खुदा ऐसे इंसान को ढूंढता है, चाहे ट्रायल आए, चाहे सोरो आए, चाहे मुसीबत आए, फिर भी वचन को पकड़ करके खड़ा, जैसे अय्यूब था। अय्यूब के जीवन में मुसीबतें आई, ट्रायल आया, सब कुछ हुआ, उसका सब कुछ छिन गया, लेकिन उसका खुदा ने दिया और खुदा ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। और यही चीज़ भाई ब्रैनम के जीवन में भी हुआ, उनकी वाइफ सिस्टर होप चली गई, बेटी चली गई, शैतान ने कहा, शैतान ने बहुत भड़काना चाहा, अरे तू कस कर और चला जा, भाई ब्रैनम ने कहा खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। खुदा ऐसे दुल्हन के सदस्य को खोज रहा है, खुदा ने ऐसे दुल्हन के सदस्य को बनाया है जो टाइम टेस्टेड मेमोरियल है, चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे सोरो आए, चाहे कुछ आए, वो वचन पे खड़ा रहे। खुदा ऐसे कलीसिया को पकड़ कर रखा है। भाई बहनम कह रहे हैं आई डोंट केयर इफ़ यू आर ए रैक पिकर, आप गरीब हो, चाहे कुछ भी हो, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ही इज़ लुकिंग फॉर टाइम टेस्टेड मटीरियल। चाहे कुछ भी हो, आप गरीब से गरीब भी हो, लेकिन वचन पे खड़े हो, खुदा इसको देख रहा है, खुदा इसको पसंद करता है। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। नाउ आई फील रिलीजियस, लेट मी टेल यू, भाई बहन हम 6 बार पुलपिट को नॉक करते हैं और कहते हैं दैट टाइम टेस्टेड चर्च विल कम इन टू एग्जिस्टेंस वन डे। ये टाइम टेस्टेड चर्च, इस प्रकार का चर्च जो वचन पे खड़ा रहेगा, जो चाहे कितनी मुसीबतें आए, कितना दुख आए, कितने कुछ भी आए, लेकिन एक दिन अवश्य ऐसा चर्च एग्जिस्टेंस में होगा। भाई ब्रैनम एक बार और पुलपिट पर मारते हैं, 7 बार पुलपिट पर मारते हैं कि खुदा ऐसे चर्च को पैदा करेगा जो टाइम टेस्टेड होगा, जो वचन पे खड़ा रहेगा और जो कभी गिरेगा नहीं। खुदा ऐसा चर्च
विल कम इन टू एग्जिस्टेंस समडे, भाई बहन हम कह रहे हैं ऐसा चर्च आएगा। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं, अब ये चर्च ऑलमोस्ट बन गया है। ऐसा चर्च इन शिक्षाओं के द्वारा, प्रॉफिट की वचनों के द्वारा, आज के मैसेजेस के द्वारा जो प्रभु बोल रहा है, लेकर के आ रहा है, एक कलीसिया तैयार हो रही है और ये वचन सब जगह जा रहा है। जगह पे जगह पे लोग तैयार हो रहे हैं, जगह पे जगह मसीह की दुल्हन का अंश तैयार हो रहा है। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देयर मे बी हाफ ऑफ देम स्लीपिंग इन द डस्ट ऑफ दैट, हो सकता है कुछ लोग सो रहे हो, आई डोंट नो वेयर दे आर एट, बट गॉड हैज गॉट हिज मटीरियल ऑल टेस्टेड। लेकिन खुदा का मटीरियल सारा का सारा टेस्टेड है और रेडी है, उसकी ब्राइड ऑलरेडी रेडी है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वन डे ही इज कमिंग टू टेक द फोर फ्रंट, एक दिन वो आ करके उन्हें लेने के लिए आ रहा है। फाइनली राइट थ्रू द एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फीयर स्फीयर्स एंड स्फीयर्स इन टू द प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, ही विल गो विथ ए टाइम टेस्टेड चर्च, दैट्स ए मेमोरियल टू हिज गेट, दैट्स ए मेमोरियल दैट गॉड गिव हिम। और एक दिन खुदा अपने मेमोरियल को लेने के लिए आ रहा है और वो मेमोरियल यहाँ से उड़ करके चला जाएगा। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है जब हम यहाँ से चले जाएंगे। खुदा ने अपना बेशकीमती लहू बहाया, खुदा ने प्रॉफिट को भेजा, खुदा ने एक से एक मैसेजेस को हमारे लिए लेकर के आया, खुदा अपने वचन के द्वारा हमें परिपक्व कर रहा है, खुदा एक टाइम टेस्टेड चर्च तैयार कर चुका है ऑलरेडी, और एक दिन वो आएंगे और हमें यहाँ से लेकर के जाएंगे। वो दिन बहुत नज़दीक है। सो वी टुडे एज ए चर्च यू आर टू पुट ऑन द रोब ऑफ क्राइस्ट, द होल आर्मर ऑफ क्राइस्ट, खुदा के हर एक हथियार को अब हमें पहन लेना है, द होल शील्ड एंड बकलर, हर एक शील्ड को, ढाल को, हाँ, बकलर को, हाँ, झिलम को पहन लेना है, हर एक आर्मर को पहन लेना है, सारे हथियार को खुदा के आप पहन लेना है, दैट वी माइट स्टैंड ब्लेमलेस एट दैट डे, जबकि हम बिना दाग और झुर्री के उस दिन खड़े रह सके, और वो दिन बहुत नज़दीक आने वाला है। देयर इज माई सर्वेंट, और जबकि खुदा कह सके ये मेरा दास है, ये मेरी दासी है, ये मेरा दास है, इसको मैंने परखा है और मैंने इसे पक्का पाया है, मैंने इसे पक्का पाया है, खुदा ये गवाही होने पाए उस दिन, आई पुट हिम थ्रू, हाँ, और वो खुदा कह सके मैंने इसे जोब की नाई परखा है, मैंने इसे इसके नाई परखा है, मैंने इसे परखा है और इसे चोखा पाया है और मैंने इसे सच्चा पाया है, ये मेरे वचन के ऊपर खड़ी रहती है, ये मेरे वचन के ऊपर खड़ा रहता है, ऐसी टेस्टिमनी एक दिन खुदा मेरे और आपके लिए देने पाए। गॉड बी मर्सीफुल टू अस, ही स्टिल प्रूव्स 100%, गॉड बी मर्सीफुल टू अस, प्रभु हमारे ऊपर दया करे, दैट वी कैन टेक गॉड एट हिज वर्ड, कि हम खुदा के वचन को ले, उनके वचन को ले सके, एंड बी टाइम टेस्टेड मेमोरियल, और हम समय के उसके मेमोरियल बन जाए, और जब वो हमें लेने के लिए आए और हमें बिना दाग और बिना झुर्री के पाए, जैसा उसने हमारे लिए हमें बनाया है वैसा वो हमें पाए और हमें अपने साथ ऊपर ले करके जाए। खुदा आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, हमें टाइम टेस्टेड मेमोरियल बनना है। खुदा ने तो अपने लिए एक ब्राइड बना ली है और वो ब्राइड ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ गई है, और किसी समय भी वो खुदा आ जाएंगे और अपनी ब्राइड को, जिन्हें उन्होंने अपने लहू के द्वारा खरीदा है, जिन्हें अपने लहू के द्वारा सींचा है, और जो अपने वचन के द्वारा जिन्हें वो पक्का कर रहे हैं, उन्हें लेकर के बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाले हैं। हम खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई निश्चल प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं इस प्यारे संदेश के लिए, खुदावन टाइम टेस्टेड मेमोरियल, खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने हमारे लिए भी कुछ स्मारक रखे प्रभु, कैसे हमने वचन में उन स्मारकों को देखा खुदावन, कैसे हमने पाया खुदावन कि आपने कुछ स्मारक रखे प्रभु ताकि लोग उनको देख सकें खुदावन, कैसे यहोशू के टाइम पर वो 12 पत्थर स्मारक बने खुदावन, कैसे आपने उन घटनाओं को आज हमारे युग में लेके आ गए खुदावंत, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और मैं देख पा रहा था खुदावंत कैसे वो अप्रैल के महीने में खुदावंत जैसे वो तलवार आई प्रभु, ओ खुदावंत उसी समय यहोशू कुछ लोगों का, नए लोगों का खतना कर रहा है प्रभु, एक करेक्शन लेके आ रहा है खुदावंत, कुछ पुरानी चीज़ें जो निकाल रहा है प्रभु,
मैं उन्हीं चीजों को आज फिर से होते हुए देख पा रहा था खुदाबंद। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और कैसे जब मैं सुबह नबी का संदेश सुनते हुए आ रहा था प्रभु, और जब इस भवन में घुस रहा था खुदाबंद, नबी इन लाइन्स को बोल रहे थे प्रभु, माई एंकर होल्ड्स विद इन द वेल, ओ खुदाबंद। और जब मैं सुन रहा था प्रभु, मैं पा रहा था खुदाबंद, आप जो कभी बदलते नहीं, आप जो एक से हैं खुदावन, आप उन्हीं बातों को आज पुलपिट से बोल रहे थे प्रभु। ओ खुदावन, हमारा लंगर आप में है खुदावन, उस अनसीन में हमारा वो लंगर है खुदावन, जहां से हम जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह। और क्योंकि हमारा लंगर अंदर पाया जाता है प्रभु, इसलिए हम डिगेंगे नहीं खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई टाइटस को बड़ी बरकत दे, जिस शरीर को आज आपने इस्तेमाल किया खुदावन हमसे बातचीत करने के लिए प्रभु, ये संदेश मात्र एक संदेश बन के ना रह जाए प्रभु, लेकिन खुदावन काश हमारे जीवनों में कार्यान्वित हो सके खुदावन। Yes, Lord. ओ हम तमाम भाई बहनों को बड़ी बरकत दे जो यहाँ पर आए हैं खुदावन। एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं अपने अजीज पास्टर भाई के लिए प्रभु। Yes, Lord. आप संपूर्ण चंगाई देखें, शाम को रेस्टोर करें हमसे बातचीत करने के लिए खुदावन। आपका नाम मुबारक हो, आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हैं, आप सच्चे खुदावन है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन आपका लिखा हुआ और आपका बोला हुआ एक भी वचन नहीं टल सकता प्रभु। वो ही ताकत है खुदावन, वही मेरा बल है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हम में से हर एक को फजल दे प्रभु, इस वचन में लगातार बने रहे खुदावन। Yes, Lord. उस वचन को थामे रहे, होल्ड टू गॉड अनचेंजिंग हैंड। आमेन। ओ खुदावन, मैं आपके कभी ला तब्दील हाथ को हमेशा पकड़े रहूं। आमेन। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की तारीफ हो, स्तुति बढ़ाई हो। सबको बड़ी बरकत दे, शाम की मीटिंग में भी आप आके बरकत दे। हर चीज में आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हाय हमारे बाप, आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं हमारे कसूरों को माफ फरमाए, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है। आमीन। तो बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। तो गॉड ब्लेस यू। 4 बजे शाम की मीटिंग होगी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।